जो मुझे याद कराए। अक्सर मैं आदमी जो है जीवन के आपाधापी में बहुत कुछ भूल जाता है। दिखाई आप लोगों को दिखाई दे रहा है हाँ लिरिक्स? जी, बजाऊं रे माना से नंदा नंदा ना अवाया जर नारा विंदरे। बजाऊं रे माना से नंदा नंदा ना अवाया जर नारा विंदरे। दुर्लभ मानवा जन्माओ सत संगे, दुर्लभ मानवा जन्माओ सत संगे, करोंगी बाबा सिंधु। बजाऊं रे माना नंदा नंदा ना अभय चरनारा विंदर। सीता ता पा माता बरी सना ई दिन जामी जा। सीता ता पा माता बरी सना ई दिन जामी जा। विपल से बिनो कृपा दूर जाना, विपल से बिनो कृपा दूर जाना, चपला सुपला बिलागी। हे भजहु रे माना नंदा नंदा ना अभया चरनारा। हे दाना यौवना पुत्र परी जना, हे दाना यौवना पुत्र परी जना, किया से पर थी कमला दल जला जीवन तल माला, कमला दल जला जीवन तल माला। बजहु हरि पद नीति रे, बजहु रे माना नंदा नंदा ना अभय शर नारा। सवन कीर्तना स्मरण वंदना पाद सेवन दास, सवन कीर्तना सवन कीर्तना स्मरण वंदना पाद सेवन दास। पूजा न सके जाना आत्मा निवेदना, पूजा न सके जाना आत्मा निवेदना, गोविंद दास अभिलाष। बजहु रे माना नंदा नंदना अभय चर नारा। बजहु रे माना नंदा नंदना अभय चरनारा। दुर्लभ मानवा जन्माओ सात संगे, दुर्लभ मानवा जन्माओ सात संगे, करो हे बाबा सिंधु। बजहु रे माना नंदा नंदना अभय चरनारा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। एवरीबॉडी हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा,
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 राम, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे, हरे राम राम हरे राम, हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राम गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय, जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। ओके हरि हरि नाम संकीर्तन की कला जय एक जय एक स्टैंजा का एक एक मिनट, अच्छा इंग्लिश में ही है बट आप लोग एक एक वॉलंटियर करके पढ़ सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा है ना फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग। प्रभु जी दोनों प्रणाम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पढ़िए। माता जी पढ़िए, आश्मा माता जी बोलिए। ओ माइन ओ माइंड जस्ट वर्शिप द लोटस फीट ऑफ द सन ऑफ नंदा विच मेक वन फियरलेस हैविंग ऑब्टेन्ड दिस रेयर ह्यूमन बर्थ क्रॉस ओवर दिस ओशन ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस थ्रू द एसोसिएशन ऑफ सेंटली पर्सन्स। ओके नेक्स्ट समबडी कैन रीड। हरे कृष्णा प्रभु। जी माता जी बोथ इन द डे एंड एट नाइट आई रिमेन स्लीपलेस सफरिंग द पेन्स ऑफ द हीट एंड कोल्ड द विंड एंड द रेन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ फ्लिकरिंग हैप्पीनेस आई हैव यूजलेसली सर्वड विकेड एंड माइजरली मैन। नेक्स्ट अगला मैं बोलूं जी पढ़िए। What assurance of real happiness is there in all of one's wealth, youthfulness, sons, and family members? The life is tottering like a drop of water on a lotus petal. Therefore, you should always serve and worship the divine feet of Lord Hari. Divine. Next, somebody can read. कोई और volunteer करे. Last one. हरे कृष्ण प्रभु जी। जी इट इज द डिजायर एंड ग्रेट लॉन्गिंग ऑफ गोविंद दशा टू एंगेज हिमसेल्फ इन द नाइन इन द माइंड प्रोसेस ऑफ भक्ति नेमली हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड हरि एंड चैंटिंग दोस ग्लोरीज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग हिम एंड कृष्णा ऑफरिंग and offering prayers to him, serving the Lord's lotus feet, serving the Supreme Lord as a servant, worshipping him with flowers and incense, so and so forth, serving him as a friend and completely offering the Lord one's very self. One's very self. Yes, sir. Thank you so much. आप सब लोग का इस सत्र में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सब लोग का स्वागत करता हूँ, आप सब लोग को मेरा हृदय से नमन। और आज का सत्र समापन की ओर है, समापन का प्रयास करेंगे हम सब लोग। और इस महायज्ञ में आप सब लोगों का यहाँ पर यहाँ आप सब लोग की यहाँ पर उपस्थिति
हमें प्रेरणा के रूप में इस महायज्ञ को संपन्न करने में सक्षम रहा है, और भगवान की विशेष कृपा कि इस महायज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हुए और सम्मिलित होकर मुझे प्रेरणा देते हुए, और आपके लिए खुद प्रेरणादायक भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, बिकॉज उनके आशीर्वाद के बिना, जैसे भगवान ने कहा कि मैं कभी भी मेरे इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ नहीं हो सकता है, तो भगवान की इच्छा थी आप सब लोग यहाँ पर एक साथ जुड़े। तो मैं प्रार्थना के साथ हम लोग क्लास को शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम् पंगुम लंगायते गिरिं यत् पिपातं वंदे श्रीगुरु दीनदारिणं श्रीपरमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं राधा मदन मोहन जी की जय, गोविंद जी की जय, गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, स्वसन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सरस्वती व्यासं ततो जयं धीर नष्ट बद्धाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भवने इसकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पर हमारे जितने उपस्थित माताएं और प्रभु जी आप सब लोग का फिर से मैं एक बार इस सत्र में अभिनंदन करता हूँ, और हम लोगों ने परंपरा के तौर पर पिछले सत्र का या 18वां सत्र का हम लोगों ने पिछले सत्र में क्या क्या देखा उसकी चर्चा हम लोग थोड़ा कर लेते हैं संक्षिप्त में, और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो भी हम सब लोग अपने हमारी जो 18वां अध्याय है ये कंक्लूजन है, क्योंकि भगवान ने अथक अपने प्रयास के द्वारा अर्जुन के हर एक प्रश्नों का हर एक संशय का उन्होंने जो है उत्तर दिया और उनको समझाया। तो उपसंहार संन्यास की सीधी हम सब लोगों ने क्या क्या देखा त्याग और संन्यास के बारे में, हम सब लोग को हर व्यक्ति को संन्यास लेना चाहिए और त्याग की भावना तो रहनी चाहिए। ये जी इस युग में संन्यास लेना और माताओं को तो खासकर कोई भी माताओं का कहा गया है कि शास्त्रों के विदित ज्ञान को दिया है कि उनको संन्यास आश्रम का धारण नहीं करना चाहिए उनके लिए। वास्तविकता में वर्णाश्रम धर्म का तीन ही जिसका हम लोग आज चर्चा करेंगे, और फिर अशुद्ध भागवत को भक्ति कर्म करने के लिए उदाहरण के लिए हम सब लोग ने फोर्ड के चेयरमैन अम्बरीश प्रभु के बारे में जाना, और चरम नियंत्रण परमात्मा में ही नियत है, परमात्मा में ही हमारा चरम नियंत्रण है। और फिर हम अर्जुन ने पूछा है कि तो वो हम लोग कर्ता के बारे में जाने, उसके बाद हम सब लोगों ने देखा क्या कि हम सभी लोगों का जो भी कार्य निष्पादन होता है वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही होती है, हमारी सोच ज्ञान खुशी तीन प्रकार के प्रभाव से प्रभावित होता है। फिर अंत में हम सब लोगों ने छह विषयों पर वर्णन किया, और ये भी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो कर्म है पांच चीजों पे, ये तो मैं पूछ सकता हूँ, मैं बाकी तो समरी कर दे रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पांच चीजों के ऊपर में हमारे कर्म निर्धारित होते हैं वो क्या क्या है, बोलिए। शरीर, हाँ, कर्ता, इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा। हाँ, चेष्टा परमात्मा तो हमारी यही है, हम सब लोग का डिटर्मिनेशन और परमात्मा, तो ये पांच है, और अंततः कर्म को जो भी कर्म होता है वो तीन गुणों के प्रभाव से होता है। तो फिर अर्जुन को सोच ज्ञान
देखिए तीनों गुणों का प्रभाव फिर किस किस चीज पे बताते हैं, हमारे ज्ञान के ऊपर में, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी वाले कैसे होते हैं, कर्म का उनका कर्म कैसा होता है, कर्ता वो कर्ता जो है कर्ता के रूप में वो कैसे रहते हैं, फिर समझ है डिटर्मिनेशन कैसा होता है, हैप्पीनेस मतलब उनकी जो खुशी है हैप्पीनेस वो किस प्रकार की होती है, इस तरह बहुत सारी चीजों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए अंत में उनके मन में एक प्रश्न उठता है और वो क्या कहते हैं, हे भगवान आप सब कुछ तो बता दिए लेकिन अब ये बताइए कि मनुष्य जिए तो कैसे जिए, आपने इतनी सारी चीजें बताई हमें किस तरीके से जीना चाहिए, तो आज हम इस सत्र में हम लोग देखेंगे हम किस तरीके से मनुष्य को जीना चाहिए। कल तक कृष्ण की बहुत सारी ज्ञान थी, ज्ञान के ऊपर में रोशनी भगवान देते हैं और इस प्रश्न को सुनने के बाद कृष्ण अर्जुन से 16 इस 18वें अध्याय के 41वां श्लोक से शुरू करते हैं, तो मैं शेयर करता हूँ, प्रेजेंटेशन एक है वो आप सब लोग उसको भी देखते रहेंगे। एक मिनट, हम सब लोग यंत्र में उलझे हुए रहते हैं, यंत्र की आवाज भी आपको परेशान करती है, यंत्र की जरूरत भी होती है लेकिन अन्यथा आवाज अगर निकले तो परेशानी होती है। ऐसा कभी कभी होता है हम लोग के हाथ में कुछ चीजें आ जाएं और हम उस वक्त में उस चीज को, और ये थ्योरी ऑफ एरर्स आप लोगों ने सुना है, थ्योरी ऑफ एरर्स के मतलब उसमें क्या कहा जाता है, जो आप सोचेंगे कि नहीं होना चाहिए वही हो जाएगा, कितनी बार आप देखेंगे कि मन में हम सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कृपया, और मालूम चला कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी जो है इस वक्त में ना आए, तो 100% है वो बेल बजेगा, पड़ोसी घुसेगा और वो ही जिसको आप नहीं चाहते हैं, तो यही थ्योरी ऑफ एरर्स होता है। ठीक है, प्रकृति के गुणों और इसमें भी प्रकृति के गुणों का आधार ही है, तो प्रकृति के गुणों के आधार पर चार प्रकार के आश्रम का वर्णन किया है, तो चार प्रकार के आश्रम क्या है हम सब लोग जनरली सभी लोग जानते ही हैं, चार प्रकार के आश्रम जो कि भगवान के द्वारा दिया हुआ है, ये मनुष्यों ने अपने आप में बहुत सारे ऐसे भ्रांतियों को बनाकर और विभाजन करके विभाग करके रख दिया उसका कोई, और ये चार जो है हम अपने जीवन में देखेंगे कि हर जगह होते हैं, कोई ये कहे कि ये नहीं होता है ऐसा मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है कि कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वाणिज्य और शूद्र के बारे में कहा है, तो उसमें क्या कहता है श्लोक के द्वारा भगवान बताते हैं, हे अर्जुन प्रकृति के गुणों का चार प्रकार के आश्रम है, समो दमस तपा शौचम शांति राजमय वच ज्ञानम विज्ञानम आसिक्यम ब्रह्म कर्मा स्वभाजम, तो कहते हैं कि जो ये गुण के बारे में बताया कि वो शांति प्रिय होते हैं, आत्म संयमी होते हैं, तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्य निष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके जिनके द्वारा उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, गुण और कर्म के अनुसार पर हमारा कोई जन्म के अनुसार पर किसी का भी निर्धारण ब्राह्मण या क्षत्रिय या नहीं हो सकता है, उसके गुण और कर्म के आधार पर। और फिर तीसरा श्लोक में क्षत्रिय के बारे में बताता है, शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युधे चापलम चापलायनम दानेश्वरम वजा सात कर्म स्वभावजम वीरता शक्ति संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्य
उदारता नेतृत्व और शिक्षक और क्षत्रियों को ये कहा जाता है कि स्वाभाविक गुण होते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं अभी वाणिज्य और शूद्र के बारे में क्या बोलते हैं, कृष्ण गोरक्षम वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाजम परिचार्यतात्कम कर्म शूद्रापी स्वभाजम। कृष्ण करना कृषि करना वाणिज्य का, गोरक्षा करना वाणिज्य का गोरक्षा करना व्यापार व्यापार वैश्यों के लिए स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों के लिए कहा गया है कि कर्म के कर्म को श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। अब यहाँ पर कर्म श्रम और अन्यों की सेवा करने का तात्पर्य क्या है, हम सब लोग जो भी ऑफिस में काम करते हैं, हम सब लोग जैसे कि मैं अभी इस वक्त में आप लोग से सामने में बैठा हुआ और जो है मैं आप लोग के सामने में भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, इस समय में मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या कर्म कर रहा हूँ, सेवा सेवा का भाव में, और किस चीज का सेवा का भाव में, ज्ञान का ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं किस कैटेगरी में आऊंगा, मेरा कैटेगरी क्या रहेगा, शूद्र नहीं नहीं नहीं, नहीं। भागवत सेवा का ब्राह्मण ब्राह्मण मैं प्रभु अभी जी मैं ब्राह्मण कहलाएंगे, हम ब्राह्मण कहलाएंगे ठीक है। और सुबह सुबह माता जी जब मैं ऑफिस जाता हूँ और जब मैं ऑफिस में जाकर कार्य करता हूँ तो उस समय क्या कहलाता हूँ, वैश्य कहलाएंगे, नहीं वैश्य नहीं कहलाएंगे, हम शूद्र कहलाएंगे, क्योंकि हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम मुकेश अंबानी की सेवा कर रहे हैं, धन उपार्जन के लिए कर रहे हैं ना प्रभु जी, नहीं प्रभु जी धन उपार्जन के लिए ना, मैं सेवा भाव में हूँ तो सेवा भाव में मुझे उसके लिए धन दिया जाता है, तो जब धन दिया जाता है तो इसलिए हम शूद्र कहलाते हैं। हम वैश्य कौन होते हैं, जनरली जो कृषक लोग हैं, जो लोग जैसे अनाज को उपजाना और उसके बाद अनाज का संरक्षण करना, अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके अलावा कृषि प्रधान जो लोग होते हैं उनको मतलब वाणिज्य भाव में कहा जाता है। और जो लोग कोई भी तरह का सेवा करें, हम अगर फॉर एग्जांपल ऑफिस में भी, अब ये तो एग्जांपल मैंने अभी बताया, माता जी ने सीधा बोला कि आप शूद्र हैं, मैं गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, तो उस समय में मैं ब्राह्मण भाव में, लेकिन ऑफिस में मैं शूद्र भाव में हूँ, लेकिन मैं अगर गौशाला में जाकर या खेत में काम करूंगा तो मैं वाणिज्य भाव में हूँ, क्योंकि मैं वहां पे संरक्षण करना। और अगर मैं जैसे कि मिलिट्री में लोग होते हैं जो जो लोग इस तरह का जैसे क्षत्रिय भाव में पुलिस में होते हैं, जिनका काम होता है मतलब शौर्य पुरुषार्थ दिखाना, तो वो लोग क्षत्रिय है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण कौन है, जनरली वैसे आज के डेट में ब्राह्मण वही रह गए हैं जो लोग हमारे भगवान के ज्ञान को बांट रहे हैं। पहले के जमाने में गुरुकुल में जो टीचर्स हुआ करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे, क्योंकि वो ब्रह्म का ज्ञान देते थे। ब्राह्मण शब्द आया कहाँ से, ब्रह्म का ज्ञान देने वाले। और ये जो लोग जो मतलब कर्म कांड कराते हैं और ये सब कराते हैं, ये एक्चुअली में ब्राह्मण नहीं, ये लोग ना वो पंडित का एक श्रेणी में आकर उन लोग थोड़ा पूजा पाठ कराते हैं। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को धारण करके ब्रह्म का ज्ञान निष्पादित निष्पक्ष होकर सबको देते। तो पहले गुरुकुल में क्या था, गुरुकुल में क्या, गुरु को कोई आज आज ये पढ़ने के लिए मान लीजिए कंचन माता जी अपने बच्चे को भेजती है तो लाखों रुपया देना पड़ता है, या उमेश प्रभु अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए तो उनको लाखों रुपया देना पड़ता है, और वो एजुकेशन नहीं है, वो बिजनेस है, और उसमें जो एजुकेशन जो होता है, जो ज्ञान वही होता है जिसमें कोई भी तरह का लेन देन नहीं होता, एकमात्र लेन देन होता है वो गुरु शिष्य की परंपरा में, गुरु जो है वो बोलते हैं और जो शिष्य है वो सुनते हैं, यही एक चीज होता है। तो पहले आज के डेट में कोई वैसे कहा जाए सोसाइटी में तो टीचर्स है या फिर जो उस श्रेणी के वो लोग ब्राह्मण है, जो लोग मिलिट्री है पुलिस वाले हैं, जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको हम लोग क्षत्रिय के भाव में मान सकते हैं, जो खेती कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो इस तरह का जो है उनको हम लोग वाणिज्य भाव में मान सकते हैं, और जो उसके अलावा जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे सेवा कर रहे हैं, जैसे म्यूनिसिपल में सेवा कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटीज में, उसके अलावा और भी कुछ कर रहे हैं जिसके बदले में उनको धन दिया जा रहा है, तो वो जो है वो शुद्ध कैटेगरी में आते हैं। तो हम सब लोग बोलते हैं ना, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस में बोलता हूँ,
मेरे ऑफिस में, फॉर एग्जाम्पल मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, मैं ऑफिस का शीर्ष स्थान पे हूँ, उसके बाद तो मैं शीर्ष स्थान पे हूँ तो कौन मैं क्या कहलाऊंगा? छत्री कहलाएंगे। नहीं, ब्राह्मण कहलाएंगे, क्योंकि हम हाईएस्ट कैटेगरी के, मैं ऑर्डर देने वाला हूँ। मेरे नीचे में जो काम करने वाले तीन कैटेगरी के लोग हैं, एक कैटेगरी के लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, मेरे मेरे कार्य को पूर्ण करने के लिए दौड़ के बाहर जाना, उस कार्य को पूर्ण करना, तो वो क्षत्रिय भाव में है। और एक लोग वो हैं जो लोग पैसा का और ट्रांजैक्शंस का और ये सब जो करेंगे, और जो लोग अकाउंटेंसी का जो ध्यान रखेंगे, वो लोग वैश्य कहलाएंगे। वैश्य लाइन को, और वहां पर हाउसकीपिंग करने वाले, हमारा खाना उना जो है वो लगाने वाले, या फिर हमारा किचन को साफ करने वाले, या फिर जो और ऑफिस में जो भी और ये सेवा करते हैं, वो लोग कौन सा कैटेगरी में आएंगे? वो क्षुद्र कहलाएंगे। अच्छा, तो आप ये बता दीजिए, हम ये तीनों कैटेगरी हटा देते हैं और खाली मैं रहता हूं, तो काम होगा ऑफिस में? नहीं होगा प्रभु जी। अरे कहीं भी इस ये जो कुछ मूर्खों की जो है जमात, जो क्या बोलते हैं उनको, लेफ्टिस्ट और क्या पता नहीं क्या, कम्युनिस्ट, और वो सब इक्वल है। अरे पांच उंगली तो बराबर ही नहीं है, आपका पांच उंगली बराबर करते, चलिए मान लीजिए आपका पांच उंगली बराबर कर देते हैं, क्या कुछ काम कर पाइएगा? नहीं होगा प्रभु जी। नहीं कर पाइएगा। ये मुट्ठी भी तभी बनती है जब हाथ के अलग और अलग अलग उंगलियों का अलग अलग काम होता है। हम अपने शरीर में ही, हम बोलेंगे कि नहीं, पेट बोलेगा कि मैं जो है मैं सब काम करता हूं, मैं आज के बाद से जो है कहीं पे कुछ नहीं भेजूंगा, तो फिर तो सीजन किसी का फिर होबे नहीं करेगा, फिर तो आपका शरीर गया काम से। ये कि मैं ही सब करता हूं और हमको इक्वलिटी चाहिए, सब अपने अपने कार्य को निष्पादन करते हैं और सबका अपने अपने हिसाब से कार्य कर, होते कौन है हम ये कम्युनिस्ट वाला बात करने का? और अरे इस जगत को मैंने वही ना, किसी एक ऐसे व्यक्ति को पूछा जाए कि जरा थोड़ा सा आप ना एक काम करो, थोड़ा सा वायु अपने, तुम तो बोलते हो ना कि सब बराबर है, ठीक है, आप अपने लिए वायु को इकट्ठा कर लो, आप अपने लिए अपना जल जो है पैदा कर लो, आप अपने लिए जो अनाज और ये पौधा ये जो है वो पैदा कर लो, सब ये सब अनर्गल बात है, जहां देखिए ये चारों का होता है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि हमें अपने गुण और कर्म के अनुसार ऑक्यूपेशन हमें चुनने का मौका मिलता है, ये हमारे कर्मों के आधार पर ही भी होती है। हमें अपने कर्मों के आधार पर, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वाणिज्य, कोई शूद्र होता है, जो वर्ण जन्म के अनुसार नहीं हो, जन्म से नहीं होता है लेकिन कर्म से होता है, वो इसलिए भगवान कहते हैं कर्म और गुण के अनुसार। या फिर हम ये कहें कि हम बहुत बार जो श्रद्धा, हमारी श्रद्धा का जो भाव है, जो व्यक्ति को मौका दिया जाता है अपने गुण के अनुसार कर्म करने का, वही असल में सही कार्य करता है। आप किसी भी कार्य को जो है वो अगर मेरे ऑफिस में मेरे हाउसकीपिंग वाले और मेरे जो मतलब वहां का ऑफिस का जो पूरा खाना बना, वो लोग नहीं रहेंगे तो ऑफिस चलेगा? नहीं होगा मेरे प्रभु जी। मेरे अकाउंटेंसी वाले मेरे पैसा का जो लेन देन करते हैं और वो करते हैं, वो चलेगा? नहीं नहीं होगा, अकेला कभी नहीं होगा कोई भी काम। कोई भी काम है हर जगह पर ये जो विभाजन है ये रहता ही है, और कोई कर ही नहीं सकता है, इसके बिना हो ही नहीं सकता। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं किसी कनोटेशन को नहीं बता रहा हूं, मैं मतलब कृपया क्षमा करिएगा, एग्जाम्पल्स है वो मैं आप लोग के सामने में उपस्थित कर रहा हूँ। मैंने देखा दो हाथ उठे थे, हाँ मंजू माता जी, क्योंकि ये जब प्रश्न आते हैं तो हमेशा प्रश्न उठेंगे, ठीक है मंजू माता जी पूछिए। हरे कृष्णा, प्रभु जी एक क्वेश्चन है प्रभु जी। प्रभु नहीं एक मिनट प्रभु जी, पहले मंजू माता जी ने हाथ उठाया था, उनका एक बार सुन लेता हूँ, उसके बाद माता जी अनम्यूट, माता जी ने हाथ उठाया था, ठीक है जब तक, हाँ पूछे प्रभु जी, हाँ पूछे माता जी। जी, कल जो आपने फाइव फैक्टर्स बताए थे हाँ उसमें शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टा और एक और था जो नहीं लिख पाई मैं। माता जी ने अभी आसमा माता जी ने बताया था हैप्पीनेस, सॉरी सॉरी हैप्पीनेस का,
भगवान मतलब परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा 1/5, मतलब 5 में भगवान भी परमात्मा भी एक 1/5। तब ना भगवान ने बोला, अरे कम से कम 1/5 तो मेरे को भी दे दिया करो, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे इस चीज को पूर्ण करने में सहायता करता हूँ। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ हरे कृष्णा। उमेश प्रभु पूछिए। प्रभु जी, हाँ ये कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते, जो पूजा पाठ कराते, शादी कराते या श्राद्ध में करते, हाँ इनको किस कैटेगरी में रखा जाए प्रभु जी? इनको, इनका भी कैटेगरी ब्राह्मण में ही है, लेकिन इनको पूर्णतः ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जैसे कि इनका जो इनको हम लोग अगर कहा जाए तो ये कोई कैटेगरी ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वेद शास्त्र ये सब पढ़कर, देखिए शादी ब्याह भी कराना है तो उसका कुछ नियम होता है ना, नियम होता है, मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, यज्ञ को मतलब प्रज्वलित करना पड़ता है, तो उनको हम लोग, उनको ब्रह्म का ज्ञान परिपूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन वो इन सब चीजों को कर, जैसे अब कोई सत्यनारायण भगवान का पूजा कराता है आपके घर में आकर, कोई जो है जिस तरीके की भी पूजा आप सब लोग कराते हैं, तो उनको ज्ञान है, ज्ञान है, तो मतलब वो ब्राह्मण कैटेगरी में है, लेकिन अब उनका कोई कैटेगरी ऐसा मैं बोलूं तो उनको ब्राह्मण में रहने दीजिए। मैंने ऐसा भाव में बोला था कि जो लोग कोई ज्ञान देकर उसके बदले में धन उपार्जन करते हैं वो उचित नहीं है, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो वो क्या करेंगे, उनको धन कहाँ से, उनका उनको भी भोजन करने के लिए तो चाहिए कुछ ना कुछ, तो खाना पीना कैसे चलेगा, उनका भी मान लीजिए छोटा परिवार होता है, वो कैसे चलेगा। तो हम सब लोग सामाजिक, पहले क्या था कि समाज में व्यवस्था थी उन लोगों का ध्यान रखने की, तो इसलिए वो कभी किसी के सामने में याचक के रूप में नहीं आते थे, वो आपके घर में आकर, आपके कुल गुरु हैं या पुरोहित हैं आपके घर में आके आपका अलग अलग समय पे पूजा पाठ है, और कुछ मान लिया घर में किसी बच्चे का जन्म है, नामकरण है, ये सब है, वो सब करवाते थे, तो उनको हमारा ड्यूटी था कि हम सब लोग उनका जो है देख रेख करना, सब कुछ उपलब्ध देना। कराना, वो सब हमारा था। आजकल तो खत्म हो गया, आजकल तो हो गया ये समाज में, कलयुग में, जैसे जैसे कलयुग आएगा तो कलयुग के चार टांग, कलयुग में कहा जाता है कलयुग को कलयुग सॉरी कलयुग कर रहे, धर्म के चार 4 लेग्स होते हैं, चार टांगों पे धर्म खड़ा है, दमा तपा सोचा सत्या, दमा तपा सोचा सत्या। आज के डेट में दम खत्म, तप खत्म, शौचम तो भूल ही जाइए, खत्म लोग हो गया। शौचम मतलब तो समझ रहे, शुद्धता, शुद्धता नाम का तो कोई चीज ही नहीं, किचन जाइए, किचन जाइए, हर एक रात को खाना बना के किचन को पोछते तक नहीं, नियम के अनुसार जिस भी जगह पे अग्नि प्रज्वलित हुआ है उसको हम लोगों को जल से, थोड़ा जब ठंडा हो जाए, जल से साफ करके, और अपने किचन को एकदम, एक भी चीज उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, जो भी चीज है बाहर उठा के एक नियंत्रण, जहां पर सुनियोजित जगह है, जहां पर हमने डिसाइड करके रखा है वहां पे रख देना है, अगर बर्तन मान लिया जाए कि आगे कल धोना या जो भी है, लेकिन कम से कम किचन को एकदम स्वच्छ रखना चाहिए। खाना पीना की स्वच्छता खत्म हो गई, लोग खाते क्या क्या है तो फिर स्वच्छता का बात कहाँ से आ गया, अनर्गल चीजें खाते हैं तो स्वच्छता उसके बारे में आप क्या स्वच्छता की बात करेंगे, तो ये भी है, लेकिन सत्य में थोड़ा सा सत्य है, सत्य भी आधा कट गया है अब, या आधा कट गया अब ये भी खत्म होने वाला है, तीन टांग तो गए, चौथा टांग भी थोड़ा कट गया बचा हुआ है, सत्य जो है इसलिए क्योंकि आप सब लोग उसके प्रतीक, अगर सत्य का परिभाषित नहीं होता इस समय में तो आप सब लोग मेरी बात नहीं सुन, मैं बोल रहा हूं आप लोग तुरंत अवहेलना करते कोई ना कोई बात को आप सब लोग, तो क्योंकि आप सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि प्रभु जी जो है कुछ बातों को बताने का प्रयास करें जो सही है, ये तो आप सुन रहे, इसको सत्य बोला जाता है, तो इसलिए सत्यता का थोड़ा सा है, तो हम सब लोग अभी वर्णाश्रम धर्म को अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो भगवान क्या कहते हैं कि हम, मैं व्यक्ति को, हर व्यक्ति को उसके कर्म और गुण के अनुसार उसको चांस दिया जाता है, उसको जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अपना मतलब बहुत बुद्धिमान होते हैं, उच्चस्थ हो जाते हैं तो उनका कर्म है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम ही बुद्धि से बुद्धि विहीन होते हैं तो उनका वो कर्म है, इस तरीके से हम देख सकते हैं, तो
फिर भगवान, फिर अर्जुन कहते हैं कि ये सब करने, मैं एक बार शेयर भी कर देता हूं आपको। तो इन सब गुणों की चर्चा करने के बाद फिर अर्जुन जो बोलते हैं कि, आगे का श्लोक पे जा रहा हूं, जो आत्मसंयत तथा अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर भी भगवान संन्यास के बारे में बता रहे हैं, फिर बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन पूछते हैं हे भगवान ये बताइए, हे कृष्ण ये बताइए, इन सब चीज को आपने बताया, वर्ण विभाजन के बारे में बताया, लेकिन ये सब करने से होता क्या है। तब भगवान कहते हैं 54 श्लोक में, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समः सर्वभूते सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म को अनुभव करता है और पूर्णतः प्रश्न हो जाता है। वह न कभी शोक करता है, न कभी विषय वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव के प्रति समदर्शी संभाव रखता है। इस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है वह है अर्जुन। इस व्यक्ति में मुझे यथा स्वरूप मुझे जान जाता है। भगवान क्या कहते हैं, ये अर्जुन वो व्यक्ति मुझे यथा स्वरूप में जान जाता है। कृष्ण को यथा स्वरूप में किसने पहचाना, अर्जुन ने पहचाना, दुर्योधन तो नहीं पहचाना है? हरे कृष्णा, हाँ पर मुझे अर्जुन ने पहचाना था। हाँ अर्जुन ने पहचाना। तो भगवान बताते हैं 7.25 में कि मैं सबको प्रकाशित नहीं होता हूं, मैं सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ, ना हम प्रकाश सर्वस्य। 7.25 में आपको पूरा है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम पांडित्य, मतलब हम लोग, मैंने कहा था स्टार्टिंग में, आप सब लोगों को बताया था पीएचडी कर लिया हम सब लोगों ने, जब एमबीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, पीएचडी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था आप लोगों को, भूल गए? कोई पीएचडी तो नहीं है इसमें? हरे कृष्णा, पीएचडी का फुल फॉर्म बताया था, परमानेंटली हेड डैमेज्ड। अच्छा और मेरे बेटा ने जब एमबीए करने गया तो बोला माँ भयंकर असुर। तो ये सब जो है उपाधि, प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सब उपाधि लेकर भगवान कृष्ण को आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप सोचते हैं, कुछ लोगों को अपने उपाधियों पे बड़ी घमंड होती है, मैं ये हूं मैं वो, अरे मैं ये हूं, ऑफिस के बाहर निकलिए ना तो आपको कौन पूछेगा, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए हमें अपने इस अहंकार के भावना को खत्म करनी चाहिए, सबसे जरूरी है। पांडित्य और मनोधर्म के द्वारा ईश्वर को हम नहीं पहचान सकते हैं, कृष्ण को नहीं पहचान, तो वही कृष्ण का केवल समझ, कृष्ण को वही कोई समझ सकता है जो कृष्ण भावना में तो और भक्ति में तत्पर रहता है। कोई भी तरह का, हम सब लोग अगर अपना बुद्धि जो है ना, हमारी जो बहुत तेज बुद्धि, सबसे बड़ा बुद्धि, हम तो बुद्धि नाम का चीज भी नहीं है, तो वो केवल भगवान की कृपा की प्राप्त होती है, हमें अपनी बुद्धि से प्राप्त नहीं होती। हाँ तो फिर कोई बोलेगा तो बुद्धि का, यस, हमारी जो बुद्धि है जब हम उसको अलाइन करके भगवान की भक्ति की तरफ में जब मोड़ देते हैं तो हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो अभी भगवान अपने शुद्ध भक्तों के बारे में बताते हैं, तो हम सब लोग देखेंगे अगला जो श्लोक सब है उसमें भगवान क्या कहते हैं, बहुत संक्षिप्त में मैं बताने का प्रयास करता हूँ, और इम्पोर्टेंट उसके बाद का है, तो अंत में है, भक्ता माम अभिजानाति यावन चास्मि तत्वता, भक्ता माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वता ततो माम ततो ज्ञात्वा विशदे तत् अंतरम। तो क्या लिखते हैं, केवल भक्ति के से ही मुझे मुझे यथास्वरूप जान सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण रूप को कृष्ण भावना में होकर ही पहचान सकते हैं। फिर प्रभुपाद फिर अगला श्लोक में कृष्ण क्या बोलते हैं, सर्व कर्माण्यपि सदा कृष्ण मदा प्रसा आश्रया मत प्रसाद अपनोति शाश्वतम पद वयम। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर अगला मच्चित्त सर्व दुर्गानी
मत चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादत तरिष्यसि अथा चित्तम अहंकार ना सरोषसि विना विनायकसि। यदि तुम मुझे भावना में दोगे, तुम मेरी कृपा से बद जीवों के सारे अवरोध, मतलब अवरोधों का मतलब कोई भी तरह का हमारे रास्ते में कोई भी तरह का अगर परेशानी आएगा हम उसको लांग जाएंगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करेंगे और मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो हमारा विनाश निश्चित है, तो हम तुम विनिष्ठ हो जाओगे, मतलब विनाश निश्चित है, हम कभी भी भक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, अंततः इसी मरुभूमि में पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरणम ये चलता रहेगा लाइफ साइकिल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो उसके बाद फिर भगवान 61 श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यान्तरुधानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति में निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया में घुमा रहे हैं। इस चीज को पढ़ने के बाद आप लोग को क्या महसूस हो रहा है कि भगवान ने ये बताइए अर्जुन, परमेश्वर जो है क्या है, मैं परम पिता हूं, यह जीव है वो अलग अलग ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, मैं ही स्वतंत्र हूँ भगवान, ये सब इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप लोग अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं, मैं ही स्वतंत्र हूँ, आप सब लोग मुझ पे ही निर्भर हैं, मेरे ही द्वारा किसी को शरीर प्राप्त होता है, किसी को आप देखेंगे कोई आदमी मर्सिडीज में घूम रहा है, कोई आदमी साइकिल या लूना में घूम रहा है, तो क्या कारण है, कोई आदमी बहुत मैंने बोला तीव्र बुद्धि है, बड़ा सक्सेसफुल है, किसी का बुद्धि काम नहीं करता है, उसका क्या कारण, ये सब निर्णय मेरे द्वारा ही लिया जाता है, करता कौन है, प्रकृति, कौन करने वाला और किसके आदेश से करता है, हरे कृष्णा, किसके आदेश से करता है, भगवान के आदेश से करता है, लेकिन लेकिन प्रकृति ये करती क्यों है, इच्छा है, कोई बोल सकता है कि है, हरे कृष्णा, हाँ माता जी, इच्छा से, थोड़ा जोर से बोलेगा, सॉरी महा बोले, इच्छा से ना, इच्छा करते हैं ना, हाँ इच्छा करते हैं, हमारा कर्म के अनुसार, इच्छा जो होता है हमारे कर्म के उससे लिप्त रहता है ना, तो कर्मों के अनुसार। अच्छा मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछता हूँ, अब ज्यादा प्रश्न तो अब नहीं पूछूंगा, इतने दिनों से मैंने काफी सारे प्रश्न पूछकर आप सब लोगों को प्रयास किया कि अनेकों अनेक चीज पे अलग अलग आप लोगों का जितना भी जो आप सब लोगों ने ज्ञान को अर्जित किया है उसको आप सब लोग बोल सके। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग कितने लोग अपना जन्म को चयन किए, अच्छा आप लोग का आसमा माता जी हंस रही, आप एक्चुअली मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती थी आपने अच्छा, पूछ लिया है इसलिए मुझे हंसी आई। ठीक है मैं अभी आगे इसके ऊपर भी चर्चा। अच्छा आसमा माता जी का रंग जो है वो गोरा है, मेरा रंग जो है वो थोड़ा काला है, किसने चयन किया, अच्छा मेरा चेहरा और मेरे ठीक है वो उम्र के साथ में बाल उड़ गए पक्के है जो भी, ये किसने सब हुआ, तो कोई बोले हमारा जो शरीर का बनावट है किसने चयन, अच्छा चलिए मैं ये बोलता कंचन माता जी ने बोला कि नहीं मुझे तो इंडिया में जन्म लेना, उमेश प्रभु बोले कि नहीं नहीं मुझे तो वो पता नहीं कौन सा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में जन्म लेना है, योगी जी के राज में जन्म लेना है, डिसाइड कर लिए है, कितने लोग ऐसे हैं जो डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी नहीं, पर मुझे हमारे बीच में हमारे यहाँ पर उपस्थित 19 में से अगर एक व्यक्ति हाथ उठा दे मैं सीधा यहाँ से फ्लाइट पकड़ के आके उनके चरण कमल को धोऊंगा और आशीर्वाद दूंगा, किसी को अभी ये न जन्म न स्थान न समय न बनावट न कुछ, इस सब कुछ हमारे जब नियंत्रण में ही नहीं है तो हम लोग किस चीज की बात करते हैं। हाँ मैं अभी आप सब लोगों को देख रहा हूं यहाँ पर, तो
जो लोग भी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग वीडियो ऑन करें, ठीक है, जिन लोगों ने ऑन कर रखा है इसमें से सिर्फ 5 ही आदमी मेरे को, 6 आचा मंजू माता जी के ऊपर, तो मैं मंजू माता जी ने काला कपड़ा पहन लिया और आसमा माता जी ने पीला पहना, सरोज माता ने चेक वाला पहन लिया, ये किसने डिसाइड किया? ये आप लोगों ने डिसाइड किया है ना, आप लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इसका हम सब लोग अपने जीवन में कभी हम सब लोगों ने सोचा कि मेरा जन्म इस भारत भूमि में ही क्यों हुआ? जिस वक्त में आपका जन्म हो रहा था इस धरती पर, उस वक्त में आप क्या सोच रहे हैं कि और किसी का जन्म नहीं हो रहा था? कोई आप ही के समय में हो सकता है कि अफ्रीका के सबसे खतरनाक जगह पे उसका जन्म हो रहा है, जहां पे एक समय का भोजन भी नहीं मिल रहा है। आपका जन्म हुआ तो माता पिता भाई जन परिवार जन खूब ताली और थाली बजाए, खूब ताली बजाए और सब लोग हर्ष उल्लास के साथ में, कोई दादा दादी बने, कोई नाना नानी बने, कोई मामा बना, जो भी हो सब लोग, लेकिन कहीं कहीं पे जन्म हुआ तो लोग जो है खुशियां तो मनाना भूल जाइए, बच्चे को भी बचाना मुश्किल होता है। तो ये परिस्थिति जो है आप लोगों ने, अब आप सोचिए भारतवर्ष में जन्म लिए या अफ्रीका में जन्म, और उसी समय में हो सकता है कि अमेरिका में कोई जन्म लिया, किसने चूज किया, किसने बनाया, कैसे हुआ, कहाँ से हो गया, हो सकता है ये तो मैं इस, हाँ बोलिए माता जी, स्वर्ण कर्मों माता, के हाँ मंजू माता जी, सी सही बात बोला, कर्मों का, और इसको नियंत्रण कौन करता है? तो भगवान बोलते कि नियंत्रण मैं ही करता हूं, और प्रकृति के नियम के अनुसार में आपको कैसा रंग मिलना है, आपको कैसा परिवार मिलना है, आपको कैसी बनावट होनी है, आपका चेहरा मोरा कैसा होना है, आपका आपकी किस कितने तक पढ़ाई कर, सब कुछ अगर हम ऐसा सोच ले कि बहुत बार हम लोग प्रयास करते हैं कि हम ये कर ले वो कर ले, पढ़ाई लिखाई करने में भी मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ यहाँ पे कर मैं कर लूँ, लेकिन अंततः मैंने यही देखा कि मेरी पूरी प्रयास या तो विफल हो गई, लोग बोलेंगे कि आपने प्रयास ठीक से नहीं किया, सत्य है, लेकिन मैं प्रयास ठीक से क्यों नहीं किया, इसका भी कोई कारण होगा। तो मनुष्य का जो जीवन है यथास्वरूप में देखा जाए तो नियंत्रण किसकी है? भगवान की, भगवान भगवान की होती है, हम सब लोग सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं कि पूरे 19, अभी आप सब लोग, मैं आप सभी लोग हमारे माताएं और प्रभु जी, क्षमा करिएगा, मैं अपने आप को सबको को अपना परिवार मानकर बोल रहा हूँ कि मैं 19 डेज में, आप लोग रहे हैं क्या, प्रभु जी जो है रघुनाथपुरी दास जो है कंटिन्यूअसली एक ही चीज बोले जाते हैं, क्या बोलते रहते हैं, कृष्ण की शरण ले लो, कृष्ण की शरण ले लो, मेरी शरण ले लो, ऐसा करके बोलते जाते हैं। ये मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? आप सब सही लोग बोल रहे, हर दिन यही सही बोलता हूँ बोल कृष्ण की, रहे, हाँ सही बोलता हूँ, तो आप लोगों को इरिटेशन हो रहा है या कि खुशी हो रही है? खुशी खुशी हो हो रही है। रही है। अच्छा, तो अंत में अर्जुन भगवान से कहते तो प्रभु हैं, जी एक क्वेश्चन है कि बोलिए, हमारा जन्म तो हमारे क्या कहते हैं कर्मों के हिसाब से हुआ कि हम कहाँ, लेकिन जैसे पेरेंट्स कैसे, मतलब हाँ पेरेंट्स जी, का क्या रोल है, वो पेरेंट्स भी, पेरेंट क्या मिलते हैं हमें? हाँ पेरेंट्स भी, क्योंकि इसका एक्चुअली में, हाँ ओके, मैं 10 15 मिनट और 20 मिनट लगेगा, लेकिन मैं, क्योंकि काफी लंबा डिस्कशन है इसमें, श्रीमद भागवतम में पूरी प्रक्रिया दी हुई है, आज के डॉक्टर्स लोग है ना, हम सब लोग को ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स लोगों को भी श्रीमद भागवतम से ही अंश मिला हुआ है, पूरी की पूरी बायोलॉजी या जेनेटिक्स श्रीमद भागवतम में दिया हुआ है, मतलब सुन के मैं पढ़ा, मैं तो मुझे, मैं आश्चर्यचकित था कि इतने सूक्ष्म चीजों को भी वहां पर डिस्क्राइब किया गया है। तो हमारा जो जन्म का जो आधार है वो हमारे कर्म हुए, और कर्म के अनुसार हमारा जगह स्थान परिवार सब कुछ निर्धारित होता है, तो वो उससे ही जुड़ा हुआ है, ये नहीं बोल सकता हूं कि आपने चूज किया या परिवार क्यों मिला, जैसे कि मैंने क्या कहा था, मैं एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि प्रीति माता जी, मैं जानता नहीं हूँ लेकिन प्रीति माता जी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि वो बहुत ही धनाढ्य घर में जन्म, धनाढ्य घर में उनका मतलब कि वहां पर, तो उनको एक मौका मिल गया, पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति की, पर
पहला चीज तो है कि भक्ति किए तो आपको दो कारण से आप मनुष्य योनि में आते। एक तो क्या है कि आपका अपग्रेडेशन होता है। पिछले जन्म में मनुष्य योनि में आने में तीन प्रकार के जानवरों का कहा जाता है कि वो लास्ट स्टेज। हमारा शुरू होता है जलचर से, जल से, फिर उसके बाद मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। थ्योरी ऑफ स्पीसीज नहीं है इसमें, वो चार्ल्स डार्विन का बात नहीं करेंगे, ये हम लोग बात कर रहे हैं शास्त्रों के द्वारा। एक एक करके ग्रेडेशन ऊपर होता है, फिर हम लोग नभचर, गगनचर, और उसके बाद फिर हम लोग जानवर का रूप लेते हैं, फिर चार चार वाला जैसे होते हैं शेर। तो तीन जानवर पे आते हैं, एक बंदर, एक तो होता है गौ माता, बाघ और और एक है शेर पर शेर, बाघ, शेर। शेर गौ माता, कल मैंने बताया था कि गौ माता तमोगुणी होती है, अरे गौ माता सत्व सत्वगुणी है लेकिन सत्वगुणी होते हैं। हाँ, याद कराने के लिए, गौ माता सत्वगुणी में जो जो टाइगर और जो ये वो क्या बोलते हैं वो जो है तमोगुणी तमोगुणी होते हैं, और रजोगुणी बंदर जो होता है वो रजोगुणी होता है। और हाँ, तो इन तीनों का अपग्रेडेशन होता है। एक वो दूसरा है मनुष्य रूप मिलता है कि पिछले जन्म में आपने भक्ति की तो आपको एक अच्छा घर और एक अच्छा एक हो सकता है कि आपका एक ब्राह्मण कहा जाता है, लोग कितना भी कुछ बोल ले, एक सुयोग्य ब्राह्मण के घर में जन्म लेना बड़ी बड़ी सौभाग्य की बात। अब मैं कोई जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से आप लोग को बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गुण और कर्म के। एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से क्या फायदा होता है, कि बचपन हम से। भक्ति हाँ करेंगे, कि हाँ माता जी, हम भक्ति में ज्यादा हाँ इन्वॉल्व भक्ति बात, रहेंगे। बचपन से ही हम लोग सुन, हमारा कान में घंटी बजता है, शंख बजता है, बच्चा एकदम। और जो बच्चा को मैंने देखा है, कुछ माताएं हमारे इस्कॉन में 2 महीना 3 महीना का बच्चा को सुबह सुबह ला के उनको वो मतलब उनका जो क्या बोलते हैं बॉक्स उक्स जब डब्बा में ला के रखती हूँ, आप सोचिए क्या श्रद्धा है। सुबह में 4:30 बजे लोग बोलेगा, कितना लोग सोचता होगा वो बच्चे के कान में सुबह सुबह मंगल आरती गूंजेगा तो वो भक्त नहीं बनेगा तो क्या मैं भक्त बनूंगा, है कि नहीं। हाँ अरे, जी और छोटे छोटे बच्चों को देखिए क्या वो सब क्या क्या मतलब बोलते हैं। तो ये हुआ तो दो मतलब दो वजह से माता जी, कि एक तो हमारा जन्म होता है कि हम सबने जैसे कि मैंने कहा प्रीति माता जी ने पिछले जन्म का उनका अकाउंट जो है वो कुछ भक्ति से है, और एकमात्र ना पैसा ना भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं जाएगा आपके साथ, ना शरीर ना कुछ, कुछ नहीं, एक चीज जाएगा बस वो है। और भक्ति जाएगी तो उसका पोर्शन भी जाएगा, 10% तो 10%, 20% 80% तो 80% वो जाएगा। और आपका बहुत बार मैंने सुना है गुरु आचार्यों से कि हमको 3 जन्म मिलता है जनरली, मैक्सिमम हम सब लोग को अगर हम भक्ति करते हैं तो 3 बार में हमारा निश्चित है कि हम लोग भगवत धाम को चले जाते हैं। लेकिन 3 जन्म क्यों लेना है, एक ही जन्म में करना है। इतनी 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 मतलब जोरदार करिए कि भगवान कोई आ जाए, भगवान बोले कि चल चल भाई बहुत हो गया, बहुत तुम पुकार लिए हो, उसके लिए उसका पूछेगा कि प्रभु जी वो क्या है। उसके लिए है एकमात्र, खाली आपको बता देता हूं, हमारे मन में रेशा मात्र की भी इच्छा नहीं होना, डिजायर, डिजायर, एक डिजायर भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी। अगर थोड़ा सा डिजायर हुआ लटपट सीधा नीचे। अगर हम थोड़ा सा सोच के चले जाएंगे, मैंने हम सब लोगों ने जट भरत और उनकी कहानी सुने थे ना, इतने प्रभावशाली, और उन्होंने मतलब कि संन्यास ले लिया बहुत कम उम्र में ही, और भक्ति का वो अपना चरम सीमा पे पहुंचा था, तो भी वो क्या बन गए, डियर बनकर उनका हिरण बन के वापिस आ गए। लेकिन उनको भक्ति, लेकिन उन्होंने भक्ति की थी तो वो हिरण जो है वो साधु संगों को करते रहे, बाहर में सूखा खाते थे वो हिरण जो है, जड़ मतलब भरत महाराज सूखी जो भी मिल जाती थी थोड़ा बहुत जो वहां पर उपलब्ध था वही खाते, और शरीर वही त्याग दिया। फिर अगला जन्म जट भरत हुआ, किनके घर में, ब्राह्मण के घर, और उनको मालूम था कि इस बार मैं किसी को नहीं देखूंगा, उनका नाम ही था जड़ भरत। जड़ भरत का मतलब कुछ नहीं समझने वाला व्यक्ति,
एक्चुअली में उनको सब ज्ञान था, लेकिन वो दिखाते क्या थे, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं। और बहुत लंबी चौड़ी कहानी, फिर मैं अब यहीं पे संक्षिप्त में, तो ये जो मैं माता जी बताया उसको हम लोग समझ सकते हैं। अर्जुन अंत में, अब अर्जुन कहते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, 63वां श्लोक, हम लोग का 10-15 श्लोक बचा हुआ है, 10 श्लोक का हम लोग अभी करेंगे। अंत में अर्जुन भगवान से कहते हैं, वह भगवान बोलते कि क्या है, ऐसा तो नहीं कि आप सब लुनैटिक लुनैटिक आप सुन ना पागल वाला बात कर रहे हैं, भगवान जो कृष्ण भगवान ये कंटिन्यूअसली जो है अर्जुन को, अंत में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, मैंने तुम्हें, फिर भगवान क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें कुहितर कुहितर ज्ञान दिया है, तुम इसकी चिंतन करो और जो चाहो वो करो। गुरु के रूप में भगवान ने ज्ञान दिया था, मैं शेयर करता हूँ, मैं भूल गया फिर शेयर करना। तो थोड़ा सा ये क्या होगा कि आप लोग के आंख के सामने में आप लोग पिक्चर भी देखते रहेंगे, बगल बगल हम लोगों ने कुछ पिक्चर लगा रखा है। उसके पहले 62 श्लोक में, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम तत्प्रसादा परम शांतिम स्थानम प्रापसि शाश्वतम। यहाँ पर देखिए कौन है यहाँ पे फोटो में, हे भरत सब प्रकार के से उसी के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। भरत किसको कह रहे, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। यहाँ पर कौन दिखाई दे रहे हैं हमारे फोटो में, जल्दी से बताइए, जगन्नाथ जी, हमारे जगन्नाथ जी, और उनके साथ साथ में उनके सेवक लोग हैं और उनके आगे में झाड़ू मार रहे हैं, ये है प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र। आज भी परंपरा के तौर पर जब तक सोने के झाड़ू से वहां के जो नरेश हैं, न राजा हैं, जो मतलब उस वंश में, वो अगर आके झाड़ू नहीं मारेंगे, वो रथ को हाथ नहीं लगाएंगे, जगन्नाथ जी आगे बढ़ते ही नहीं। हरे कृष्णा, एक राजा झाड़ू मार रहा है, ये तो भाव है। इति ते ज्ञानम आख्यतम गुह्या गुह्यतरम मया विश्वेश दशेषेना यक्षेश तथा कुरु। इस प्रकार मैं तुम्हें गुहतर ज्ञान बतला दिया, इस तरह पूरी तरह से इसका तुम पूरी तरह से मनन करो और जो चाहो सो करो। भगवान ने अभी मुक्त कर दिया, अभी तक भगवान क्या बोल रहे थे, अभी तक भगवान क्या बोल रहे थे, अभी तक भगवान करो, हे अर्जुन मैं तुम्हें ज्ञान दिया हूं, तुम अपने कर्म से विमुख मत हो, तुम युद्ध करो। यहां पर आके भगवान क्या बोलते हैं, मैंने ज्ञान दे दिया, अब तुमको जो करना हो करो। फिर उनको लगा, कृष्ण को लगा कि अर्जुन जो इस समय तक खाली प्रश्न ही प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी भी उनका जो भाव है वो पूर्ण रूप से हटा नहीं है। तब भगवान फिर क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान उसके बाद फिर से बोलते हैं, अभी उनको लगा ऐसा ना हो कि ये जो मेरा मित्र है, प्रिय सखा है, ये मेरा जो भक्त है, जो परम प्रिय है मुझे, कुछ गलत डिसीजन ना ले ले। देखिए वहां पर भी भगवान वहां पर भी सोच रहे हैं, मैं सब कुछ बता दिया, अब तुमको जो करना है करो ना भाई, लेकिन वो भी नहीं देखते कि नहीं, अभी भी अर्जुन की स्थिति वैसी नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूं। तब फिर वो भगवान क्या बोलते हैं उनको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो दो तीन श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है श्री प्रभुपाद बहुत बार प्रयोग भी करते रहे अपने अपने लेक्चर्स में। मन मनाबद मद भक्तो मध्या जीवी नमस्कुर मां वैश्य श्री सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी हमें, सदैव मेरी चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मेरे परम प्रिय मित्र हो। अब भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हरे कृष्णा आप लोग बताइए भगवान क्या कर रहे हैं, तुम मेरी भक्ति करो। पढ़ा आपने, भगवान यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं, देखे कि अभी तक तो मैंने ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद ऐसा ना हो कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर से संन्यास की बात करें और बोले कि ना मैं तो संन्यास लेता हूं, मैं योग्य हूं, तो वो बोले कि ऐसा ना हो कि ये विचलित हो जाए, मैं इतनी सारे ज्ञान दिया हूं। तब उन्होंने उनको आश्वासन देना सब चालू किया। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो मैंने आप लोग को कितनी बार इस क्लास के दरमियान सुनाया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।
समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से उद्धार करूंगा, डरो मत। तुम मेरे शरण में नहीं आओगे, तुम्हारा तुम अगर मेरे शरण में नहीं आओगे तो व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो मनुष्य जो भगवान का शरण नहीं ग्रहण करता है उसका फल होता है, वो लगा रहता है आता जाता आता जाता आता जाता है। इसलिए मनुष्य का कल्याण तभी होता है जब वो भगवान के शरण में जाता है, और सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग यही है कि हम सब लोगों को सब कुछ त्याग करके, अब त्याग का मतलब परित्याग करो मतलब धर्म, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ धर्म, त्याग कर दो, कौन सा धर्म को परित्याग कर दिया जाए, किस धर्म की बात भगवान कर रहे हैं। हम सब लोग अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे ऐसे धर्म अनैतिक चीजों को बांध लेते हैं। धर्म कहने का मतलब नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा, वो भगवान उनकी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जकड़न में मत रहो, हम तो हाँ हम तो इंद्रदेव की पूजा करते हैं, मैं इंद्रदेव रुष्ट हो जाएंगे, तो देव रुष्ट हो जाएंगे तो अच्छी अच्छी बात नहीं है देवता लोग का पूजा करने। अरे भैया भगवान की पूजा करते हैं सब लोग, भगवान वो लोग भी भगवान की पूजा करते हैं, हमसे थोड़ी उनकी आयु अलग है, और उनको वो हम ही लोग के बीच में से कोई व्यक्ति विशेष जो है उनको वो पोजीशन दिया गया है। आप लोग इंद्र बनना चाहते हैं या कोई आप सब लोग में से? हरे कृष्ण मैं बोला तो आप लोग को बोल रहे हो, प्रभु जी आप क्या बोल रहे हैं? निश्चित उमेश प्रभु बहुत प्रश्न कर रहे हैं, 100% इनको ना अमरावती में जगह मिले, अमरावती स्वर्ग लोक को कहा जाता है, तो मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। उमेश प्रभु अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं और अत्यंत आवश्यक है। ये हम हमारे बीच में जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, कोई ना कोई प्रश्न, कोई ना कोई संशय जरूर रहेगा, तो हमारी संशय को दूर करना और हम सब लोगों को कोई भूअर लोक स्वर्ग लोक तप लोक महर लोक ये कुछ नहीं चाहिए, हम सब लोग को क्या चाहिए, गोलोक वृंदावन जहां से हम लोग आ गए। एक परसों एक माता जी का एक रात को मैसेज आया, करीब करीब 10:30 बजे के आसपास, उन्होंने कहा प्रभु जी मैं बैठी हुई थी, मेरे को एक सोच में आया कि मैं आप तो बार बार सुबह मतलब वो सुबह क्लास में आती है, तो उन्होंने कहा कि मैं कितनी बार अपने काम को करते हुए आपका अवतार सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप कितनी बार बोलते हैं कि हम लोग गोलोक वृंदावन वासी हैं, गोलोक वृंदावन वासी हैं, तो फिर हम लोग यहाँ क्यों आए? अभी तो आप लोग जवाब दे सकते हैं ना, माता जी को जवाब देना है तो क्या जवाब देगा, या आप लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग भगवान से विमुख होकर के अपने इच्छा जाहिर किया जिसके लिए पूर्ति के लिए भगवान हमें यहाँ भेज दिया है। आपने बोला कि हमने क्या किया, भगवान को देखा हमको जलन होने लगा, अरे सब कोई भगवान की सेवा कर रहे, मेरा भी तो कोई सेवा करो, हो गया कल्याण। जैसे इच्छा प्रकट हुई, मैंने क्या कहा था आप लोगों से कुछ देर पहले, वो लोग जाने का एकमात्र उपाय, आप लोगों से कहा था कि क्या कहा था मैंने, वो लोग जाने का एकमात्र उपाय क्या है, लेस मात्र भी स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, नहीं नहीं हाँ माता जी बोलिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए, ओके नो डिजायर्स, एक रंज मात्र भी, उमेश लिख लीजिए छोटा सा सेंटेंस है, रंज मात्र भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, रेशा मात्र भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमने इच्छा जाहिर की तो कहाँ गए, लटक गए आके यहाँ पर, अच्छा हुआ कि धरती पे ही गिरे हैं, नीचे चले जाते था और ज्यादा समय लगता, नीचे का लोक सब थोड़ा खतरनाक लोक है, और वहां पे एकाद नहीं है, 28 तो नरक लोक है और 7 लोक ऐसे हैं, उसमें से भी सुतान लोक हमारे लिए स्थान नहीं है, तो 6 और 28 34 लोक में इधर, और ऊपर से कई गलती से पितृ लोक में हम लोग अपने पितृ देवता लोग को मिलने चले गए तो और गड़बड़ हो गया, तो ऐसा परिस्थिति ना हो हम सब लोग भूलोक में ही आके लटक गए हैं। कम से कम भूलोक में एक चीज है, हम सब लोग इतने समय इतने दिनों से यहाँ पर इतने समय समय ही बोला कलियुग बहुत अच्छा है। अब आप बोलेंगे प्रभु जी इतना दिन से तो आप कलयुग कलहयुग कलहयुग बोल रहे थे, ये अच्छा कैसे हो गया? खाली महामंत्र से हम गोलोक चले जाते हैं,
बस बस माता जी ने एकदम पकड़ लिया है, एकदम 100% मंजू माता जी नाम आप 100% जो जवाब दे दिए कि कली काल में एक ही नाम है जो हरे नाम केवलम। हरे नाम का उच्चारण करना महाप्रभु ने कहा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम कलियुग कलिये नाशनम। इस महामंत्र का जाप करके हम अपने जिस जीवन को सार्थक, लेकिन नाम जाप करेंगे तो नाम जाप शुद्ध रूप से लेना पड़ेगा। शुद्ध रूप तक नाम जाप करने के लिए हमें थोड़ी संघर्ष करनी पड़ती है। शुरू में हम सब लोगों का अपराधों के साथ में नाम जाप होगा। बैठेंगे, श्रुति माता जी बैठ गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो मोबाइल हाथ में है, ऐसा 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 रील भी चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। उसके बाद मंजू माता जी ने अपना चैंटिंग शुरू किया, पीछे से आया उनको उनके बेटा फोन किए कि मामा मामा मैं अभी जो है ये मतलब उन्होंने कुछ तो समस्या बता दी। अब माता जी तो हाथ में माला लिए हुए, अब क्या करेंगी, तो परेशानी उनका, अब उनके बाद उसके बाद उनका दिमाग उसी सोच में रहेगा। अब नाम तो ले रहे हैं हरे कृष्ण माँ मत बोल रहे, आसमा माता जी हरे कृष्ण माता चैंटिंग स्टार्ट किए, अचानक से याद आके अरे अरे बच्चों का टिफिन ही नहीं बना, ले हो गया, बस वहीं पे दिमाग इधर से उधर। और प्रीति माता जी जाना था कुछ लोग वह कहीं पे, और मालूम चला कि सामान ही भूल गए, तो कहाँ पे, अरे तो भाई सामान रह गया घर में, तो माता जी अभी परेशान की अभी सामान को कैसे भेजे। तो इस तरीके के अनेकों अनेक कलयुग में व्यवधान आते रहते, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर हम मन से शुद्ध रूप से सोच ले कि हमको ये करना है, तो भगवान कहते कि मैं सब चीज से पार करवा दूंगा, मैं इस भव सागर को पार कराने की भगवान का सर्वधर्मान परित्यज्य, यही सब धर्म, यही सब धर्म है जिसकी परित्याग करके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आज जहां जैसी जरूरत है माता, ऑब्वियसली अब माता जी को टिफिन बना के देना है तो बनाना ही है वो, हाँ। अब उसके बाद जब मन शांत हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद चाहे भूकंप आ जाए, चाहे बगल में सुनामी आ जाए, मैं तो भगवान का ही नाम लूंगी। आप निश्चिंत रहिए कि सुनामी और भूकंप आपका कुछ नहीं कर सकता है, अगर आपके मन में ऐसी भावना आ जाए। ये आना मेहनत लगता है, अदौ श्रद्धा से लेकर, मैंने कहा था अदौ श्रद्धा भजन क्रिया साधु संगा से लेकर, फिर हमारी जब रुचि होती है, रुचि के बाद फिर आगे हम सब लोग प्रेम तक पहुंचते हैं। प्रेम भाव में जब रहेंगे उस समय में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारे जीवा पर कृष्ण जो है वो नृत्य करते रहेंगे। आप कृष्ण को पुकारेंगे, आपके जीवा पर वो खड़े होकर नृत्य करेंगे, यह शुद्ध नाम, और निश्चित तब आपका भगवान आपका हाथ पकड़ के आपको भगवत धाम लेके जाएंगे। तो हम सब लोग बस अंतिम का कुछ श्लोक सब है आप जो सब लोगों को मैं वो शेयर करके और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं, और अंत में कहते कि गुह्यम ज्ञान मैं उनको कभी नहीं बताया जाए जो ना तो संयम ना संयम है, ना एक निष्ठा है, निष्ठा नहीं है उनके, एक निष्ठ मतलब किसी के प्रति एक निष्ठावान नहीं है, भक्ति में रत नहीं है, जो भक्ति में है ही नहीं ना, और जिनको भगवान के प्रति द्वेष है। मैंने कहा था कि शुरुआत में ही कि अर्जुन का क्वालिफिकेशन दो चीज दो जो एक मेन क्वालिफिकेशन तो एक ही था, क्या क्वालिफिकेशन था, अर्जुन भगवान से द्वेष नहीं करते, हाँ। हम सब लोग तो द्वेष के कारण ही तो हम लोग पटकाए हुए हैं धरती लोग पर, अभी अभी हम लोग चर्चा किए ना। उसके बाद ए इदम परम गोह्यम मद्दाश दास्यति भक्तिमयी प्राकृत्वा माम वैश्यस्य संशय, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताया वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति भक्तों का यह परम रहस्य बताता है, मतलब हम सब लोग जब किसी को बताएंगे वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। बहुत जरूरी है हम सब लोगों को अपने सामने में जो लोग को ये ज्ञान प्राप्त करे, जो कृष्ण से ईर्ष्या ना करे, कृष्ण से द्वेष नहीं करे, उनको हम सब लोग को
ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार, अपने आगे पीछे जो भी जहां पर भी हो। न चेत अस्मानेषु कश्चिन जन्मे प्रियकृतमः भाविता न चा मे तस्मात् नया प्रियतरो भूमि। इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक ना मुझे अधिक प्रिय है ना कभी होगा। भगवान कहते हैं कि ये जो लोग होंगे वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होंगे, और उससे ज्यादा मुझे और कोई प्रिय नहीं हो सकते हैं। अद्यस्यते चा इमं धर्म संवादो मावय ज्ञाने येना तेना मिष्ट स्यामिति मे मति ही। मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है और अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है उसको भगवान की भगवत धाम की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान सुयस्य सुनापि यदि स्तो नरा स्वपि मुक्ता सब श्रद्धावान स अनुष्य च सुरादपि ओ नरा सो अपि मुक्ता सुबल लोकान प्रणो नायत पुण्य कर्मा। जो श्रद्धा समेत दोष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अब हम सब लोग फल स्तुति देख रहे हैं कि हमने इतने यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति दी, तो उस यज्ञ आहुति का फल, तो फल उसको क्या बोलते हैं, फल स्तुति। तो ये फल स्तुति जो आप लोग सुन रहे हैं, जो श्रद्धा के समेत द्वेष रहित होकर इस गीता के ज्ञान को सुनता है वो सारे को उस पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। पुण्य आत्माएं निवास कहाँ करती हैं, वो लोग वृंदावन में। हम सब लोगों को वो लोग वृंदावन की प्राप्ति होती है। तब इतना सब बताने के बाद भगवान को अर्जुन को पूछते हैं, हे अर्जुन अब तुम ये बताओ, मैंने तुम्हें एक यम ज्ञान दिया, इसके बाद अब तुम्हारे मन में कोई संशय हो, कोई तरह का विचार अधीन बातें आ रही हो। तब अर्जुन वाच नष्टो मोह स्मृति लब्ध। ये श्लोक जो है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ कुछ दब जाता है। अर्जुन वाचा नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध तत्प्रसाद न अच्युत स्थितो अस्मि गता कथा संदेह करिष्यसि वचनम तव। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण मैं अब सब पूर्ण रूप से मोह से दूर हो गया हूं, आपसे अनुग्रह है कि मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापिस मिल गई आपके अनुग्रह से। आपने जो ये ज्ञान दिया उससे मेरी भटक जो मेरा मेरी अंदर का जो मन और भटक रहा था और जो मैं अंदर के मन से मैं कमजोर हो गया था, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। अर्जुन अब यहाँ पर बोलते हैं कि मैं अब इस काम को करने के लिए आप जैसा मुझे आदेश देंगे मैं उसी प्रकार से कर्म करूंगा, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर भगवान जय से आज सब जय लोग जोर से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय उन्होंने अर्जुन को यहाँ पर मोह से ग्रसित अर्जुन को उन्होंने मोह से निकाल कर और उनको उनके कर्म को बताते हुए और उनको ज्ञान से बंधन से मुक्त किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था, क्या बोला था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युधुत्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। संजय ने कहा इस प्रकार अब जो वार्तालाप है ये संजय और धृतराष्ट्र के बीच में है। संजय ने कहा इस प्रकार मैं कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश अपने आप में अद्भुत है और मेरा शरीर रोमांच से भर उठा है। देखिए संजय कौन थे, संजय जो है एक्चुअली में कहा जाए तो संजय व्यास देव के शिष्य। जब व्यास देव आशीर्वाद दे रहे थे उन्होंने संजय को आशीर्वाद दिया था कि हे संजय आने वाले समय में तुम्हारे जैसे टेलीविजन हम लोग देखते हैं ना, तो तुम्हारे दूरभाष मतलब तुम्हारे अंदर में इतनी शक्ति होगी कि तुम दूर की चीज होती हुई चीजों को दर्शन कर सकोगे। ये गीता का ज्ञान जो है पूर्ण रूप से अगर जो सुनाया गया अर्जुन को तो अर्जुन के माध्यम से और कौन सुन रहे हैं, संजय संजय सुन रहे हैं। संजय हाँ भगवान का रूप नहीं देखे लेकिन सुन तो रहे हैं, जो जो हो रहा है वो देख रहे हैं, कृष्ण उनको दे रहे हैं वो बता रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं वो सब सुन रहे हैं। तो मैं
और दोनों के संवाद को क्या बोलते हैं, सुनने के बाद क्या होता है, व्यास की कृपा से मैं परम को यम बात साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जो है सुन रहा हूँ। कहते हैं देखिए उनको कानून क्या बोलते हैं, संसार में बहुत लोग योगी हैं लेकिन मात्र कृष्ण योगेश्वर हैं, गुरु परंपरा में गीता का वचन प्राप्त कर सकता हूँ। इसीलिए ये गीता का देखिए वो शिष्य थे व्यासदेव के, व्यासदेव थे अगर देखा जाए तो व्यासदेव नारद जी के शिष्य हुए और नारद जी ब्रह्मा जी के शिष्य हैं, अगर इस तरह से परंपरा में शिष्य हैं, और व्यासदेव के शिष्य संजय हैं, उन्होंने उनको उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, व्यास जी की कृपा से मैंने परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही बात कही जा रही थी उसको मैंने सुना। हे राजन जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य में इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बार बार स्मरण करता हूँ तो मेरे प्रति क्षण अंदर से आह्लाद मतलब गदगद हो जाता हूँ और मेरे अंदर में मेरे रोएं खड़े हो जाते हैं उनको सुनने के बाद। फिर अंत में अंतिम श्लोक है तो क्या है कि धृतराष्ट्र पूछते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। इस युद्ध का परिणाम क्योंकि अंत में गीता का ज्ञान हुआ तो अंत में फल तो जाना है। यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो जनुधर तत्र सिविक्तिर मम इमम मर्मा। हरे कृष्णा कुछ आप लोग बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा ओके। तो कहा गया कि क्या बोलते हैं, हे महाराज जिस जगह पे कृष्ण है जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां पे परम धुरंधर अर्जुन है वहीं पर ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी है, निश्चित रूप से वही रहती है, ऐसा मेरा मत है और इस मत के साथ में आपको जो संशय है वो आप दूर कर सकते हैं। तो भगवान के वाणी को अर्जुन ने सुना और उसको संजय ने खुद सुना और उनको सुनने के बाद समय तो बहुत कमी था ना, मैंने बताया था कितना समय में ये पूरी पूरी युद्ध में करे हो कि हम लोगों ने तो 19 दिन लगाए हैं लेकिन वहां 19 दिन में तो युद्ध खत्म ही हो गया था 45 मिनट 40 मिनट के बीच में अंदाजन गुरु आचार्य लोग बोलते हैं कि 40-45 मिनट लगे। तो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रभु जी आज उन्होंने बड़े अच्छे संदेश दिए, उन्होंने कहा कि प्रभु जी ये तो 2020 मैच चल रहा था, आपने 2020 मैच खेलकर जितना भी हो सका उसको आपने अलग अलग एग्जाम्पल्स या जो भी स्टोरीज के द्वारा आपने बताया तो वो सब चीजें स्मरणीय है लेकिन एक लंबी यात्रा भी होनी चाहिए, मतलब वनडे मैच नहीं बोलो टेस्ट मैच बोले, टेस्ट मैच खेलने के लिए तो उसका भी हम सब लोग उपाय है और उसका हम सब लोग अलग अलग कार्यक्रम करते हैं गीता संदेश आए। अच्छा आप सब लोगों को ज्यादा अब तो ऑलरेडी समय हो चुका है तो मैं आप सब लोग से फिर वही बोलूंगा, हम सब लोग एक बार इकट्ठे सब लोग मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा राम 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 हरे। इसमें से मैंने देखा कि संस्कृति माता जी ने नहीं बोला और रिक्कि माता जी ने नहीं बोला, सब लोग खोलिए फिर से सब लोग अनम्यूट करिए, ठीक है वीडियो ऑन मत करिए नो प्रॉब्लम, अनम्यूट करिए सब लोग अनम्यूट करिए, जब तक आप लोग अनम्यूट करके नहीं बोलिएगा मैं तो तक महामंत्र करवाता रहूंगा सब। गायत्री माता जी हरे कृष्णा, आप ही ऑन कर लीजिए। हाँ संस्कृति माता जी आप कहाँ चले गए, आप भी ऑन करिए। विद्या माता जी, सीता माता जी और जगन्नाथ जी को लेके पहुंच जाइए, और श्रीवास प्रभु तो है डॉक्टर प्रभु के साथ में, डॉक्टर प्रभु क्लिनिक में रहते हैं, मिसलाइज नहीं करूंगा, उनके कानों तक हमारी ध्वनि जानी चाहिए। विद्या माता जी, सीता माता जी हरे कृष्णा, कम से कम आप सब लोग वक्त में ऑन कर लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 राम राम हरे हरे। ये अद्भुत है आप सब लोग के साथ से इतना समय हम जा रहा है,
मेरी आप लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन आप लोगों को अर्पित करता हूँ। मैं सबके सामने मैं आकर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपनी श्रद्धा सुमन मैं हृदय से आप लोगों को अर्पित करता हूँ। और आज के दिन पे कहा जाता है, वैसे ये कुछ परंपरा के तौर पे है, लेकिन इसको मान लिया लोगों ने। ऐसे हम लोग जो है गुरु पूर्णिमा व्यास देव के जन्म मतलब प्राकट्य दिवस पे मनाते हैं, लेकिन आज भी टीचर्स डे है। तो आज सबके इस मतलब मैं पावन दिन ही मानता हूँ। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे और मैंने प्रयास किया आप लोगों के साथ रहकर अपने अपने मन को शुद्ध करने के लिए। मैं आप सब लोगों को इतना जरूर बोलूंगा, मैं गीता का ज्ञान मैं अपने लिए कि मेरी मन की शुद्धि हो, मेरे मन में जो कलमश है वो मैं समाप्त, इसलिए मैं आप सब लोग के सामने सन्मुख होकर आप सब लोग के सामने में गीता का ज्ञान का मैं प्रयास किया हूं। और गीता का ज्ञान अब वो सागर है, उस सागर में से कुछ बूंद जो है मैं आप सब लोग के सामने में भगवान के मुख से निकली हुई वाणी को अपने बुद्धि विवेक जो कि है नहीं, गुरुजनों के सुना हुआ और पढ़कर जो मैंने सीखा वो आप लोग के सामने में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब मैं आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म खोल दिया हूँ, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लोग कुछ और आप लोग को क्वेश्चंस हो वो आप लोग पूछ सकते हैं, और या कुछ रिफ्लेक्शंस है कुछ और बोलना चाहते हैं या वो सब भी आप लोग बोल सकते हैं। महाराज गज भी शंख बजा सकते हैं क्या? माता जी माता हम लोग भी शंख बजा सकते हैं क्या? मैंने तो जेंट्स को ही शंख बजाते हुए देखा था, मुझे ये नहीं पता है, प्लीज मुझे बताइए ना, हम भी शंख बजा सकते हैं नहीं क्या? नहीं नहीं माता जी आप शंख बजा सकती हैं। अरे ये कैसा शंख, मतलब मंदिर में जनरली क्या है कि पुरुष लोग ही रहते हैं। मैंने तो अपने आजकल जो है हमारी कुछ माताएं तो अभी इस्कॉन सेंटर्स में बाहर में जो मतलब पाश्चात्य देश में या अलग अलग देशों में वहां पे माताएं भगवान की पूरा पूजा कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। शंख बजा सकते हैं आप, क्यों नहीं बजा सकते हैं? और आप अगर बंगाल में जाएंगे तो सुबह सुबह माताएं ज्यादातर पूजा करती हैं, तो वो तो जोर जोर मेरी माँ खुद बचपन मतलब हमने तो उन्हीं से सीखा है। तो मेरी माँ को मैंने जब मतलब एक दीघा करके जगह था, मैं पहली बार गया तो मैंने माँ मैं देखा कि माँ के पास छोटा सा शंख था, वो स्ट्रगल करती थी, तो मैं वहां से खड़ी के शंख उनके लिए लेके गया कि उससे आवाज अच्छी आएगी। तो आप लोग आराम से बजाइए, आराम से मतलब कि आप लोग हाँ बजाने के बाद उसको धो देना है, जैसे जहां पे मुंह लगाते हैं तो थोड़ा उसको धोकर फिर से रखना है, और उसको ठीक है शंख को निश्चित है कि कहीं शुद्ध जगह पे रखना है, ऐसा नहीं इधर उधर नहीं रखेंगे। शंख जो होता है वो पवित्र है और उसको कहा जाता है कि अच्छा शंख क्या है, शंख जो हम लोग बजाते हैं वो क्या है, वो भी तो हड्डी है ना, है कि नहीं? स्नेल मतलब शंख जो है स्नेल मतलब उसका ऊपर का पोर्शन है ना, है? हम लोग कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता जाके अगर उसका शरीर छू दे, उसका शरीर छू देने के बाद क्या होता है, हम लोग को आके स्नान करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन शंख को भगवान के मंदिर में रखा जाता है, ये है दिव्यता उसकी। ऐसे शंख को कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के भाई है, लेकिन अः शंख का परिधान है कि विष्णु भगवान को बड़ा प्रिय है, कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। कृष्ण भगवान के शंख का नाम क्या है, पांच जन हाँ मंजू माता जी ने बताया, पांच पंचजनेश्वर हाँ पांच जन शंख, अलग अलग शंखों का भी वर्णन है। मैं अभी उस श्लोकों के द्वारा फर्स्ट चैप्टर में ही भीम का कौंडरक और मतलब अलग अलग शंख का सबका नाम है, अर्जुन के भी शंख का नाम है, युधिष्ठिर महाराज के नाम का शंख का नाम है, नकुल सहदेव जी के शंख का नाम, तो उसमें वर्णन भी किया हुआ है कि कौन कौन सा शंख बजा। शंख बजा तो कौरव की सेना थर थर कांपने लगी, और खासकर जब और एक साथ में जब भीम ने जोर से शंख फूंक दिया तो आधा से ज्यादा तो का कान जो है हिलने लगा। तो ऐसे ही बहुत विस्तृत है शंख बजाना आज, और आप लोग को अलाउड है, किसी को भी शंख बजा सकते हैं, ठीक है? यस माता जी, और कोई प्रश्न? धन्यवाद। जी माता जी।
मैं डॉक्टर साहब का देख रहा था, कोई प्रश्न तो उन्होंने आज नहीं पूछा, उन्होंने लिखा लिख के भेजा था, है डॉक्टर साहब तो है यहीं पे। एक मैंने देखा था, एक माता जी ने, कंचन माता जी ने लिया, अच्छा माता जी ने बड़ा सुंदर लिखा था, तो मुझे कंचन माता जी का एक कोट मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने लिखा है, हर अति की हमेशा इति होती। आपने लिखा है, आप ही कहा है ना, है कंचन माता, मुस्कुरा रहे हैं आप बहुत। उसके ऊपर मैंने आपको लिख के भी भेजा है, शायद आपने पढ़ा भी लगा। ये परम सत्य है, दुर्योधन की भी अति, रावण की अति, कंस की अति, उसका भी इति हो गया। अच्छा था आप, इसलिए कभी कभी कुछ कुछ चीजें जो है दिमाग में याद रह जाती हैं। तो और कोई प्रश्न आप लोगों का? हरे कृष्णा। कल्प वृक्ष कैसे कनेक्टेड है कृष्ण जी के साथ? कल्प वृक्ष से उसका नाम ही है डिजायर। तो जो भी चीजें ऐसे जैसे जो भी भगवान के स्वरूप, मतलब से भगवान की सेवा में जो उपलब्ध है, तो उसका नाम होता है कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष खाने का मतलब, मन आप वहां पे खड़े हो गए, आप मान लिया कि आप गोलोक वृंदावन में है, ठीक है, आप वहां पे गए, कल्प वृक्ष आपने पेड़ देखा, आपका घर बना हुआ है सामने में, आप निकले, तो अभी भगवान का प्रसाद मान लिया जाए कि नहीं भी आया, मिला नहीं है, फिर भी आप कल्प वृक्ष में भूख लग गई, आप बोले कि थोड़ा सा आज मुझे सांबर और इडली खा, इडली और सांबर खाने का मन है, फटाक से आ गया, तो थोड़ा तीखा लगा, तो आप बोले कि देख अभी तीखा लग गया, रसगुल्ला चाहिए, फट से रसगुल्ला आ गया। तो कल्प वृक्ष क्या, वो सब कुछ आपको जो आपको बोले कि मेरा जो वस्त्र है मुझे थोड़ा चेंज करना है, तो वस्त्र भी मिल गया। तो कल्प वृक्ष हमारी कोई भी इच्छा को पूर्ण कर सकता है, इसलिए कल्प वृक्ष के भगवान के अः जो है वो गोलोक वृंदावन में कहा जाता कि हर पेड़ कल्प वृक्ष है, वहां पर तोता भी जो है वो हरे कृष्ण बोलते हैं, वहां पर कबूतर या कोई भी मतलब आप ये मान के चलो कोई भी तरह का जो चीज वहां पे मौजूद हो सकता है, वो सब वहां पर हरे कृष्ण ही बोलते हैं, और वहां पर एक दूसरे को कोई बातचीत नहीं करता है, जैसे हम लोग प्रजल्प करते हैं ना यहाँ बैठकर, वहां पर वो नहीं होता है, वहां पर कीर्तन के द्वारा ही सब कुछ होते रहता है काम, वहां पर कीर्तन कभी रुकता नहीं, कंटिन्यूअस 24 आवर्स कीर्तन चलता है। यहाँ पर हमारे वृंदावन में कृष्ण बलराम टेम्पल में मुझे लगता है कि 80 के दशक से कंटिन्यूअसली चल रही है, और मैंने जब जामनगर में मैं काम करने गया था, जब रिलायंस में वहां पर रिफाइनरी कमीशनिंग थी और वहां पे मेरी पोस्टिंग हुई, तो मुझे मालूम चला कि एक एक बहुत ही पुण्य आत्मा बोल सकते हैं, बिहार से उस जगह पर आए थे, और वहां पर 1960s के आस 63 तब से मैं वहां पर गया, ज्वाइन किया था 98, और आज के दिन भी वहां पर वो चल रहा है, राम धुन जो है कंटिन्यूअसली कोई ना कोई वहां पे गा रहा है, खून आता है, खून गाता है, कैसे वो चल रहा है कभी रुका नहीं, चाहे 2 आदमी हो, 1 आदमी हो, 4 आदमी हो, कंटिन्यूअसली राम धुन चल, जो व्यक्ति बैठ गया जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक उठ के जाता नहीं, और ऐसी शक्ति भगवान ने प्रदान की। तो इसलिए भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, हम सब लोग का ओर छोर नहीं लगेगा, हम सब लोग थोड़ी सी खाली उस अथाह समुद्र में से थोड़ा हम लोग वो मतलब एक चम्मच जो है निकाल लिए, और उसको हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अथाह सागर का जो मैं आप सब लोग के सामने वर्णन कर रहा हूँ, वो अपने आप में पूर्ण पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो भगवान का एक छोटा सा अंश, अनंत स्वरूप में भगवान जो है वो व्याप्त। हरे कृष्णा। अब आप लोग का बोलने का समय है, अब मैं हो गया, आप लोग अलग 2-4-5 मिनट जो भी है आप सब लोग बोल सकते हैं, और उसके बाद आप लोग का क्या, आप लोग आगे क्या कुछ, आप लोग को आप लोगों को कैसा लगा ये, आप लोगों ने इतने दिन तक हमारे साथ रहे, आप लोग कुछ कुछ उस तरह की बातों को सुनकर के आप लोग के अंदर में कुछ परिवर्तन हुई, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं, आप लोग का निष्पक्ष होकर जो भी आप लोग को बोलना।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने फर्स्ट टाइम गीता पढ़ी है, मैंने अभी आज तक कभी नहीं पढ़ी थी, और आप ही के थ्रू मेरे को पता चला है सारा ज्ञान सब कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे इतना एनलाइटन किया है इसके लिए। थैंक यू सो मच। बाकी कभी कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं जरूर आपको कांटेक्ट करूंगी और जरूर परेशान हाँ करूंगी। जरूर जरूर माता जी, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। मेरे पास आप कभी भी संवाद कर सकते हैं, कभी भी जरूरत हो मुझसे आप बात भी कर सकते हैं, मैं जनरली उपलब्ध रहता हूँ। अगर मैं उस समय बात ना भी कर सकूँ, बाद में बात कर लो, जब भी आप टेस्ट कर सकते हैं, मैसेज कर लीजिए जिस वक्त में, मान लिया जाए कि आपको बात करते मैसेज के द्वारा है, कोई बात, अगर आपको लगता है कि बात वार्तालाप कर रही है तो भी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप 18 दिन तक हमारे को होस्ट बन के रहे, और ठीक है हमारे बीच में तो सभी लोग परिवार के जैसा सब लोग सुनते रहे, मेरी हमेशा रहती, मैं कोई रेस्ट्रिक्शंस कभी कहीं नहीं, सब लोग उन्मुक्त हैं, अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, तभी जाकर हमारा व्यक्तित्व रूप से अगर कहा जाए तो हम सब लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं स्ट्रिक्ट रूल बना दूं, नहीं, मैं बोलता रहूंगा आप लोग खाली सुनते रहिए, उससे गीता का ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होता है। मैं सक्षम नहीं रहा हूंगा कि पूरी के पूरी तरीके से आप लोगों को गीता प्रभु ने बताया भी, लेकिन मेरा सिर्फ यही था कि थोड़ा आप लोग के अंदर में गीता का, जो गीता का ज्ञान है वो अंदर में आप लोग का वो जो है, जैसे माता जी आपने कहा, तो वो शुरुआत हो जाए, शुरू हो जाएगा तो गीता आप जितनी बार पढ़ेंगी उतनी बार आपको ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। ठीक है हाँ जी माता जी, हरे बिल्कुल, कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे टू यू। थैंक यू सो आपको मच ढेर सारा आशीर्वाद। प्रभु जी। हरे जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा, हैप्पी टीचर्स डे टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता प्रभु जी, मुझे कुछ पूछना जी, हरे था, कृष्णा जी माता जी। एक्चुअली कुछ पर्सनल नहीं है आपसे, तो जो गीता प्राप्त की वो तो बोल नहीं सकूंगी। जितना मैं 1 पॉइंट भी, जितना भी मैं गीता पहले उतना गीता मैं पढ़ती थी, लेकिन उतना मेरे को समझ नहीं आता था। अभी तो थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं, 1% उतना मैं थोड़ा उसमें समझ में आने लगा है। एंड उस वजह से आपके लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एक सेकेंड क्वेश्चन, एक्चुअली मैं जन्माष्टमी व्रत करती हूँ, मुझे व्रत करने का कौन सा डे है समझ में नहीं आ रहा, कल ही का है हाँ परसों? परसों हम सब लोग, परसों हमारे जितने भी संस्थानों में, और इस परसों हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। कुछ लोगों का मत है कि कल किया जाए, आप 7th को कर रहे हैं तो भी उचित है, कोई लोग अगर 6th को करना चाहता है तो, क्योंकि आप सब लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं वो तो मैं नहीं कह पाऊंगे, लेकिन अगर हम लोग के किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हैं तो 7th को हम सब लोग भगवान के लिए फास्टिंग करेंगे, और रात को फास्टिंग फास्टिंग तोड़ेंगे नहीं, फास्टिंग मतलब 81 प्रसाद लेकर, और फिर नेक्स्ट डे भी हम लोग का फास्टिंग है, क्योंकि प्रभुपाद का अपीयरेंस, जो हमारे गुरु महाराज, हमारे प्रेरणा के स्रोत श्री अभय चरणामृत भक्ति विदार स्वामी प्रभुपाद, उनका प्राकट्य दिवस जन्माष्टमी के दूसरे दिन होती है, तो उसलिए उस दिन हम लोग बहुत प्रभुपाद का याद करते हुए उनको, और उनके लिए अलग अलग तरह का प्रसाद बनाकर हम लोग फीस्ट करते हैं। तो हम लोग 8 तारीख को 12 बजे के बाद हम लोग का फास्टिंग टूटेगा, लेकिन जो लोग जन्माष्टमी सिर्फ मना रहे हैं वो लोग 7 को कर सकते हैं, 7 को सुबह से लेके और रात को 12 बजे तक, उसके बाद जैसा आप लोग अपने घर में करते हैं उस प्रकार से आप लोग कर सकते ओके, थैंक हैं। यू ठीक है माता प्रभु जी। जी। जी माता हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हाँ जी माता, मुझे मतलब थैंक यू सो मच कि ये 18 डेज का जो आपने क्लास लिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गीता क्या होती है। अच्छा वहाँ थैंक पर पहला यू। पहला तो चीज है कि आप 19 डेज थे, तो 18 डेज का कोर्स था लेकिन नाइनटीन हम लोगों ने 19 डेज का लिया, डेज का और लिया। आप लोग आप हर दिन उपस्थित रहे तो मैं आपका धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि श्रोता अगर नहीं रहेंगे तो, मैं वैसे प्रभुपाद बोलते थे गीता, लेकिन कम से कम हमारे साथ में 20 लोग रहे और बाकी जो लोग भी कभी कभार सुने हैं, तो मैंने कहा कि मैं सभी 20 लोग, मतलब इंक्लूडिंग मैं भी अपनी बातों को खुद ही सुन रहा था, तो मैं अच्छा लगा आप सब लोग थे। सुखदेवी माता जी खासकर कुछ ना कुछ प्रश्न पूछती रही, ठीक है। हाँ
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ प्रभु जी, मुझे ऐसे लगा जैसे गीता पूरी समझ में आ गई है। नहीं माता जी, मैं बस प्रयास किया हूँ, आप भी हमारी माता स्वरूपा है, तो मैं सिर्फ प्रयास ये किया कि जैसे मेरी माता से मुझे ज्ञान प्राप्त हुई बचपन में, तो थोड़ा बहुत जो है मैं उसका संस्करण करके, या कह सकते हैं कि थोड़ा उसको जोड़कर मैं गीता का जो भी थोड़ा बहुत हमने सीखा, तो आप लोग सारे बस सिर्फ इतना ही है, कृपा है आप लोगों की कि आप लोगों के मन में जो भाव थे वो आप लोगों ने सुना। और गीता का ज्ञान जो है वो सबसे जरूरी होता है कि आपका, पहले दो क्वालिफिकेशन बोला, तो आप लोगों ने निश्चय किया कि मैं सुनूंगी, मेरी श्रद्धा है और मैं भगवान मानती हूँ कि ये कृष्ण भगवान है, इसी कारण से आप लोग इतने दिन तक सुने। आप सब, हाँ बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। नहीं, आप सब लोग के लिए मैं इसलिए मैं आप लोग को हमेशा आदर करते हुए आप लोग को अपना श्रद्धा देता हूँ, श्रद्धा सुमन देता हूँ, इसलिए सब लोग गृहस्थ है, सबके घर में मतलब कोई ना कोई चीज, अब 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठकर सुनना, अपने समय निकाल कर, ये बहुत बहुमूल्य है, और आप लोगों ने वो किया, इसके लिए आप लोग का पूरे जीवन भर का ये जो यात्रा है आप लोगों ने परिपूर्ण की, इसलिए ये जो आप, अच्छा दूसरा चीज है, हमारे जितनी भी माताएं हैं प्रभु जी, आप सब लोग एक चीज याद रखिएगा कि ये जो 19 दिन की 1.5 घंटा या 2 घंटा के मान के चल लिया जाए, जितनी घंटाएं आपने दी हैं वो कभी भी आपके जीवन से जाएगा नहीं, वो आपके साथ में ही हमेशा रहेगा ये चीज, और ये आपके लिए एक तरह से वो रिपोर्ट कार्ड है, तो आप सब लोग अपना रिपोर्ट कार्ड खुद, मैं कोई असेसमेंट आप लोग का नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग मेरे, ऐसा नहीं है कि आप लोग विद्यार्थी, मैं कहा कि मैं भी विद्यार्थी, आप लोग के साथ बैठ के मैं भी सीख रहा था, आप लोग सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग यहाँ रुक कर गीता का ज्ञान प्राप्त किया, तो आप लोग सेल्फ असेसमेंट खुद ही कर सकते हैं कि हाँ मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। और मेरी सिर्फ एक ही आग्रह रहेगी कि आप सब लोग जो भी मैंने बोला उसको ना थोड़ा सा यूटिलाइज करिए, कभी कभी बैठ कर जो लिख लिया है उसी को पढ़, क्योंकि बहुत बार हम लोग, मैं ये देखिए, मैंने ये डायरी जो है कम से कम, हरे कृष्ण प्रभु जी, जी माता जी, ये तकरीबन तकरीबन ऊपर ये मुझे लगता है करीब करीब 50 पेज मैंने लिखा है इतने दिनों में, 50 × 2 100 पेजेस मैंने गीता के ऊपर में लिख लिख कर, कुछ कुछ याद करने का कोशिश कर लिखा, तो ये अपनी चीजों को लिख कर मुझे पढ़ना, कभी कभी मैं खुद भी देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैंने लिखा था क्या, तो आप भी जब पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, अरे मैंने ये लिखा था, प्रभु जी ने ऐसा बताया था, तो आपके मन में वो एक खुशी हो और आपको लगे हाँ प्रभु जी ने गीता का 2nd चैप्टर में ये बताया था, और आप लोग थोड़ा थोड़ा, मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, फोर्स नहीं करूंगा, बीच में कुछ और कोर्स होगा तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग ज्वाइन करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा गीता जरूर प्रयास करिए पलट के देखने का, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को जब देखेंगे, ओ प्रभु जी तो ये श्लोक में ये बोला था, अच्छा अच्छा यहाँ पर ये बोले थे, फिर आप लोग खुद जो है अंदर से जिज्ञासा होने लगेगी, और एक दिन आप लोग भी इसी तरीके से गीता का ज्ञान दीजिएगा, मेरा आप लोग से बस ये गीता का ज्ञान देने का एक ही अभिप्राय है, आप सब लोग भी गीता का ज्ञान आगे आप सबको को दे, ठीक है जी, हम तो चाह रहे हैं कि फिर से एक बार भगवत गीता क्लास स्टार्ट हो, आप ही हमारे गुरु हो, फिर से इसी तरह 19 डेज का सफर तय करके आगे, और नया सीखने को मिलेगा, बार बार सीखने को मिलेगा, आपसे सीखने को मिलेगा। माता जी अभी नेक्स्ट कोर्स जो है वो हम सब लोग फिर से चालू करेंगे, तो मैं जरूर, क्योंकि हमारे बीच में आज उर्मिला माता जी तो है ही, और उर्मिला माता जी हमारे साथ पिछले कम से कम 2-3 सालों से जुड़ी हुई हैं और हमेशा साथ में रहती हैं, और जितनी बार भी होता है वो सुनती हैं, एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर और गवर्नमेंट सर्वेंट रही हुई हैं,
जितनी बार होता है वो सुनती है, और उनकी श्रद्धा को देखकर मैं भी उनको नमन करता हूँ। तो हम लोग जरूर करेंगे, और डॉक्टर प्रभु का भी कहना था तो हम सब लोग भी प्रयास करेंगे कुछ ऐसी। एक तो हम लोग गीता संदेश होगा ही, उसमें 100 से ज्यादा श्लोक के ऊपर में हम लोग चर्चा करते हैं, एक एक श्लोक एक एक दिन में, तो वो भी क्लास रहेगा। उसमें भी आप लोग को ज्वाइन कराने का हम लोग प्रयास करेंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा चीज है कि फिर गीता का क्लास का संदेश आप लोग को जाएगा, ये ग्रुप रहेगा, आप लोग ग्रुप अगर नहीं छोड़ेंगे तो इस ग्रुप में भी संदेश जाएगा ही। तो आप लोग संदेश जैसे जाए आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, और जो है गीता का हम सब लोग आगे की जो हमारी तैयारी है वो भी हम लोग कर सकते हैं, और जरूर होगा। हर बार गीता में कुछ ना कुछ तो नई चीज सुनने को आपको मिलेगी सर। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रणाम। आप परमिशन दें तो दो शब्द बोलना चाह रही हूँ। माता जी आप बोलिए प्लीज। सबसे पहले तो गुरु जी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई कि आपने गीता जी का ये जो नारायण 18-19 दिन का जो प्रोग्राम हमें दिया, तो नारायण इसीलिए सबसे पहले आपको बधाई और शत नमन। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु मैं जी, जी बोलिए। प्रभु जी, मैं बोलूंगी कि ज्यादा बोलना हो जाएगा, आपको शायद लगेगा कि अतिशयोक्ति है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस्कॉन खुद ही कल्प वृक्ष है, ये मेरा अनुभव है। प्रभु जी मैं पिछले 2 महीने से मैं सब जगह मैं ये लिख रही थी, मैसेज कर रही थी, पर्सनली कॉल किया श्री हर्ष प्रभु को किया, और जो हमारा जो ये आईटी टीम है इस्कॉन की, जो ये सब प्रोग्राम को कंडक्ट करती है, उनमें बहुत से लोगों को किया मैंने, गोवर्धन प्रभु को किया, शायद आपको भी किया होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, जी कि मुझे मैम, गीता संदेश प्रोग्राम जो 2 साल पहले हुआ उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। एक मन में बोलते हैं कि प्यास थी कि मैं वो वापस से सुनूं, मैं बहुत ज्यादा उसके लिए क्रेविंग हो रही थी मुझे कि मैं वो वापस से सुनना चाह रही हूँ। इतना सब अभी जो आपने बताया कि मैं काफी टाइम से सुनती हूँ, लेकिन वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो मैं वापस देखना चाह रही थी। और देखिए कि ये मेरा जो कल्प वृक्ष से मांगा गया जो प्रसाद है वो मुझे प्राप्त हुआ, कि ऑल ऑफ सडन एक मैसेज आता है ग्रुप में कि ये गीता जी का प्रोग्राम हो रहा है और सब लोग ज्वाइन करें, तो मैंने कुछ लोगों को कहा, वो ज्वाइन भी किए और बीच में थोड़ा ड्रॉप आउट हो गए वो, लेकिन वो खुद डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, बहुत बिजी रहते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं प्रभु जी, ये रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं और वो सुन रहे हैं और वो बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो प्रभु जी ये जो सच तो यही है कि इस्कॉन खुद अपने आप में कल्पवृक्ष है, अगर हमें इस धरती पे कहीं कल्पवृक्ष देखना है, गोलोक वृंदावन में हम जाने के लिए हमें बहुत प्रयास करने बाकी हैं, लेकिन यहाँ हम जो देख रहे हैं वो इस्कॉन ही कल्पवृक्ष है। मुझे इतना इजीली ये मिल जाएगा, मैंने सोचा नहीं था कि ये प्रोग्राम मुझे इतनी आसानी से वापस से सुनने को मिलेगा, और गीता संदेश का जो प्रोग्राम का आपने हिंदी में दिया, पहले जो था अलग अलग वक्ता थे, मोस्टली वो तेलुगु थे क्योंकि हैदराबाद साइड के तो सारे तेलुगु थे, जैसे गोवर्धन प्रभु थे और भी ले काफी लोग थे, उनका इतना जो बोलते कि रसगुल्ला वो हमें नहीं मिला। प्रभु जी आपने जो हमें ये यूं क्या बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी का जो रसगुल्ला खिलाया प्रभु जी, वो बहुत आनंद दे रहा है, और क्या माता कहें, आप तो गुरुदेव हैं, आपको शश्वत नमन है प्रभु जी। जी का मैं तो सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ, वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय है। और उनके शब्दों का मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि श्री प्रभुपाद ने हम सब लोगों को इस योग्य बनाया है कि मैं आप लोगों के सामने में उपस्थित हूँ। लेकिन बस इतना ही कह सकता हूँ कि आज अंतिम समय आप लोग का समय ज्यादा लेते हुए मुझे भी खुद थोड़ी ये हो रही है, लेकिन क्योंकि आज का समय आज का दिन आप लोग के लिए है तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है आप लोग जब तक चाहे कुछ बोलना चाहे तो आप लोग बोल सकते हैं। इसलिए नहीं ये कि मैंने कैसा क्लास दिया,
मुझे मालूम है कि हर व्यक्ति में अपनी अपनी कमजोरियां हैं, अपनी अपनी तरीके से जो बोलने की होती है, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट सबको को करनी ही पड़ती है। मैंने अपना पूर्ण प्रयास करने का प्रयास किया आप लोग के आशीर्वाद से और गुरुजनों के आशीर्वाद से। तो माता जी जो ने कहा, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हम सब लोग उसी कल्प वृक्ष से जुड़े हुए हैं, और उस कल्प वृक्ष के साथ साथ में हमारी प्रयास रहती है कि जो भी ज्ञान हम सब लोगों को मिला है, ज्ञान जो है वो ऐसी ऐसी चीज है जो अगर दें तो वो बढ़ता है। कोई ऐसा चीज है जो कि बढ़ता हो देने से? नहीं, कोई कभी नहीं है। सुना? बस एकमात्र है ज्ञान, जितना विद्या दीजिए। का, विद्या का जो है दान है वही एक है कि जो सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। हाँ तो प्रभु जी आप हमें बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, इसका जी हम माता हमेशा के लिए कृतज्ञ रहेंगे। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम मैं प्रभु जी। कृतज्ञ हूँ कि माता जी हमेशा हमारे साथ में रहती हैं। धन्यवाद सब। ठीक है, अब आप और किसी को कुछ अपना वक्तव्य देना हो तो बोल सकते हैं, अथवा हम सब लोग आप लोग से मैं इजाजत तो नहीं ले सकता हूँ, सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आप सब लोग यहाँ रहे। इतने दिनों आप लोग के साथ रहकर मैंने भी यात्रा की। मैं ऑफिस से भागता था 6 बजे। जनरली ऑफिस में क्या है कि हम लोग का कार्य रहता ही था, लेकिन अगर 6 बजे ना निकलूं तो मैं यहाँ पे पूजा नहीं कर पाऊंगा अपना संध्या वंदना करने के बाद मैं बैठता था थोड़ा देर मन को थोड़ा शांत करके, उसके बाद तो फिर आप लोग के सामने में प्रयास करता था कि जो भी मैं अध्ययन किया हूँ वो आप लोग के सामने में प्रस्तुत कर सके। मेरी बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और फिर से हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जरूर मिलेंगे। आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और आप लोग अपने नंबर मेरा सेव करके, अगर वो ग्रुप से बाई चांस आप लोग अगर ग्रुप बंद हो जाए कुछ हो, आप लोग नंबर सेव करके रखिए। मेरे नंबर आप सब लोग के पास है ना? हाँ प्रभु जी, ठीक है हाँ माता जी। जी, तो जी, तो माता जी विद्या माता जी श्रीनिवास प्रभु डॉक्टर प्रसाद प्रभु, डॉक्टर प्रभु तो हमारे साथ हमेशा लिखते ही रहते हैं तो इसलिए वो हो रहा है। मंजू माता जी, गायत्री माता जी, उर्मिला माता जी, सब लोग, दिनेश प्रभु, आप रिखी माता जी, सब लोग हैं, आप सब लोग, मंजू माता जी, प्रीति माता जी और सरोज माता जी, श्रुति माता जी हैं, हरे कृष्णा, आप सब लोग को बहुत हरे बहुत ढेर कृष्ण, सारी शुभकामनाएं। और हम हमारे सीता माता जी, हमारे गणेश, हमारे जगन्नाथ जी को भी बोल दीजिएगा जय गणेश बोला, जय जगन्नाथ, क्योंकि कभी कभी गणपति का भाव प्रकट हो जाता है बच्चों में, वो क्योंकि वो नटखट होते हैं, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी भी जबरदस्त होते हैं। ठीक है, जी आएंगे, भगवान मेरे गणपति जी भी आएंगे। गणपति भगवान नरसिंह देव के पहले, सुबह सुबह सबसे पहले नरसिंह देव के भगवान में गणपति जी जाते, कोई तब तक उस समय में कोई नहीं पहुंचता है जब वो जाकर उनको प्रार्थना करके और वो निकल जाते। ठीक है, आप सब लोग का फिर से मैं एक बार हृदय से नमन करता हूँ, और ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को याद करके अपने घर में उनको आमंत्रित करिए, उनको याद करते हुए कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है, जीवन कृष्ण से शुरू होती है, जीवन कृष्ण में ही। कृष्ण तो ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कृष्ण प्रभु भक्त जी, एक छोटी सी बात कहने थी, बहुत छोटी सी बात, बोलिए बोलिए प्रभु। सॉरी बस मैंने आपसे अपना अपना आशीर्वचनों से मुझे अभिचिंतित करते रहिए, हम सभी को अभिचिंतित करते रहिए अपने आशीर्वचनों से, ऐसे ही। दिनेश प्रभु आपका, आप हमेशा आपका स्वभाव मैं देखा हूँ बहुत ही निर्मल और शब्दों का चयन करके बोलने वाले और हृदय से बहुत ही सजग, तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहे। मुझे और शब्द नहीं मिल पाते हैं, मुझे शब्द ही नहीं मिल पाते हैं कहने के लिए, लेकिन बस बस चुन के कहना पड़ता है। नहीं, ठीक है बहुत, मैं सुबह सुनता हूँ ना, इसलिए आपकी आपके मतलब जब आप आरती गाते हैं चाहे कुछ तो मैं सुनता हूँ, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और धन्यवाद। मैंने कहा था कृष्ण भक्त है बिंदास, बाकी सब है उदास, क्योंकि सब है माया के दास। आप लोग माया के दास नहीं है, आप सब लोग जीवे रे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। तो हम सब लोग कृष्ण के दास हैं, कृष्ण की भक्ति करना। राधा रानी को याद नहीं करिएगा तो
तो कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए श्री जी को याद करना, राधा रानी को याद करना, परेशानी वाली को याद करना हमारा सबसे पहला ड्यूटी। हम लोग राधा रानी को भूले नहीं है, राधा रानी हमारी जहां पे भी राधा रानी दिखे हैं उनको हमेशा नमन करिए, प्रार्थना करिए, हे राधा रानी जैसे आप भगवान के प्रिय हैं हमें भी भगवान के चरणों को प्राप्त कराइए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे अब यहाँ पे मैं समाप्त कृष्ण प्रभु, करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु दंडवत प्रणाम, बस जी आशीर्वाद बनाए रखिए। जी जरूर प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा हरे कृष्णा। और हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, हाँ माता प्रभु जी, हरे कृष्णा। फिर से सब आप सब हरे लोग कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और सब लोग को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से मैं दे रहा हूँ, और राधा अष्टमी भी 15 दिन के बाद आएगी, उस दिन की भी शुभकामनाएं आप लोगों को दे। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, जय जय श्री प्रभुपाद की जय, भगवत की जय।